देखना, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लास्ट दिन हमने जहाँ छोड़ा था वहीं पर, वहीं से मैं स्टार्ट करूँगा। आई थिंक जिन लोगों के पास तो नोट्स वगैरह है वो तो है, जिनके पास नोट्स नहीं है आप मेरे से एक बार मांग लेना, मैं दे दूँगा। स्क्रीन में शेयर करता हूँ। ओके, देखो लास्ट क्लास बेसिक्स का जो लास्ट क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशंस मिनिमम कंडीशंस, ठीक है, इसके पीछे जो भी थ्योरेटिकल मैटर था उसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशंस किए थे लास्ट क्लास में। उसमें अकाउंट्स क्या है, किस लिए किया जाता है, ठीक है, इस ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने डिस्कशंस किया। अकाउंट्स का काम क्या है, स्पेशली एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटी अकाउंट्स में कवर किया जाता है, ठीक है, कितना तरह का एक्टिविटी। स्क्रीन शो हो रहा है ना सबको? हेलो, हाँ सर, ओके, हाँ सर, ठीक ठीक है। एक्टिविटीज़ कवर्ड अंडर अकाउंटिंग, ठीक है, कितना तरह का आप अकाउंटिंग एक्टिविटी कर सकते हो, ये भी हमने डिस्कशंस किया था, ठीक है। आज प्रैक्टिकल में बात करेंगे, ठीक है, आज एकदम अकाउंट्स का प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोगों ने ये भी बात किया था पूरा का पूरा प्रोसेस, अकाउंट्स का मीनिंग क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ बुक कीपिंग, जो डे टू डे होता है ना, डे टू डे मतलब एकदम जो आम इंसान, ठीक है, एकदम नॉर्मल डे टू डे बेसिस में हर कोई अपना एक हिसाब रखता है, स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं, स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं वो अपना एक अकाउंटिंग सिस्टम रखते हैं, वो उसको अकाउंटिंग नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं बुक कीपिंग, जिसके जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब खाता हिसाब रखना, ठीक है, अपने खाता में अपने हिसाब से हिसाब रखता है। जैसे कि वो मानो कि आप अगर वेजिटेबल वेंडर के पास जाते हो, ठीक है, जो सब्जी वाला आपके घर के सामने सब्जी बेचता है, ठीक है, तो उसको देखना, उसका भी ना अपना एक खाता होता है, वो क्या करता है, सपोज मानो कि यहाँ चलो मानो कि मृत्युंजय, ठीक है, मृत्युंजय यहाँ पर क्लास में है, मृत्युंजय है, काजल है, दोनों काजल है, तो आप लोग मार्केट जाते हो तो मानो कि मैं हूँ वेजिटेबल वेंडर, हु इज द वेजिटेबल वेंडर यार, मैं, जैसे आप लोग सुबह सुबह 10 बजे मेरे पास अकाउंट सीखने नहीं सब्जी लेने आए हो, ठीक है, यू कम कम टू मी फॉर दी बाइंग ऑफ योर वेजिटेबल्स, डेली वेजिटेबल्स चाहिए, तो मैं एज ए वेजिटेबल्स, देखो गजब देखने में है मेरा ड्रॉइंग, ओके, मैं बैठा हूँ और सोच रहा हूँ कि आप लोग मुझे मुझसे वेजिटेबल ले रहे हो, तो मैंने हिसाब लिया कि ये सब ड्यू अमाउंट है, ठीक है, हिसाब तभी रखा जाता है जब ड्यू होता है, बात समझना, कि हम लोग उसी चीज़ का अकाउंटिंग ज़्यादा करना पसंद करते हैं जो पेमेंट हमें मिल गया, ठीक है, अगर आपको कोई पेमेंट कर देता है क्या आपको, आप उसको याद रखते हो, नॉर्मल सेंस में बताना, ठीक है, मतलब अगर कोई आपको, आप दुकान में जाते हो कैश अमाउंट देके आप प्रोडक्ट खरीद के आ जाते हो, ठीक है, प्रोडक्ट भी आपको मिल गया, प्रोडक्ट आपको मिल गया, कैश अमाउंट आपने पेमेंट कर दिया, ध्यान से सुनना पॉइंट, हाँ, आपने कैश पेमेंट कर दिया जिसको हम लोग बोलते हैं नगद, ठीक है, नगद अमाउंट दे दिया जितना दाम है, सपोज आपने 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट परचेस किया और कैश में 1000 रुपीज़ पेमेंट कर दिया, यू पेड देम 1000 रुपीज़, तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो शॉपकीपर है, ये जो पर्टिकुलर शॉपकीपर है, क्या ये आपको इतना इच्छा मतलब आपको याद रखने का इतना भी मतलब जरूरत समझेगा, अगर आप कैश पेमेंट कर देते तो उसको, जैसे आप लोग, हम लोग नॉर्मली रैंडमली रैंडमली इन आवर डेली लाइफ मार्केट में जाते हैं, है ना, वी विजिट मार्केट, आप मुझे बताओ कि हम मार्केट में विजिट करते हैं, कितना सारा अननोन शॉपकीपर्स भी होते हैं, ठीक है, स्पेशली इन सिटीज, मतलब जो थोड़ा सा विलेज एरिया है या फिर लोकल टाउन्स है, जो थोड़ा स्मॉल टाउन्स है वहाँ पर फिर भी एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी हमेशा नहीं जानते, तो शॉपकीपर्स क्या सबको, आप लोग को हमेशा आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है, अब राह चलते रैंडमली कितना सारा दुकान में विजिट करते हो और आपने कैश पेमेंट करके 1000 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट परचेस किया, तो क्या दुकानदार आपको इतना भी ईमानदारी से याद रखेगा, इफ़ यू पेड देम, प्लीज़ मुझे इसका आंसर देना, नॉर्मली जो होता नहीं है, सर, नहीं, अगर वो आप उसको कैश पेमेंट कर देते हो ना तो उसके बाद वो आपको याद रखने का जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं सोचता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट उसको फील ही नहीं आता,
तो मतलब मैं ही कह रहा हूँ कि अकाउंट्स का जो मेन खेल है ना वो क्रेडिट के कारण है, ठीक है। कैश में कैश मतलब नगद और क्रेडिट मतलब उधार, ठीक है। क्रेडिट मतलब उधारी, ठीक है। तो जब जब उधारी का सिचुएशन आता है ना, ठीक है, उधार या बांग्ला में हम लोग बोलते हैं धार, ठीक है। जब जब धार या उधार का पॉइंट आता है तभी अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट आता है। अगर यही 1000 आप ड्यू रख देते, जैसे कि आप लोगों को वहां देख रहे थे आप कि जैसे मृत्युंजय काजल ये सब अलग अलग मेरे पास क्या करने आया था, सब्जी लेने आया था, है ना। आप लोग मेरे पास आए थे सब्जी लेने के लिए और आप मेरे पास ड्यू रख के जा रहे हो, ठीक है। मृत्युंजय मानो कि मेरे से 500 रुपीज का वेजिटेबल्स परचेस किया, ठीक है। काजल ने मेरे पास से 200 रुपया का परचेस किया। प्रगति ने मेरे से 300 का परचेस किया। ये सब ड्यू है, ठीक है। मैं सब साइड में लिख के रखा ड्यू, ठीक है। अब 1 वीक बाद मृत्युंजय आके मेरे को बोल रहा है कि सर सर नहीं, सब्जी वाला अपना पेमेंट ले लो, सब्जी वाला अपना पेमेंट ले लो, ठीक है। सब्जी वाला भी बोलेगा हाँ भाई तेरा पुराना क्लियर नहीं होगा ना तो मैं तेरे को नया सब्जी नहीं दूंगा। तो 500 में से फिर भी वो बोल रहा है 400 रखो, बाद में 100 दे देना। तो स्टील मैं उसका हिसाब क्या रखूंगा, 500 से 400 चला गया, 100 ड्यू, ये 400 क्या हो गया पेड। काजल का 200 ड्यू था, बाद में काजल आके मेरे को 200 पेड कर दिया। प्रगति का 300 ड्यू था, वो भी आके बाद में मुझे 300 पे कर दिया। जैसे ही पे हो जाता है मैं उसको क्या कर देता हूँ, काट देता हूँ। आप लोग देखे होंगे इस तरह से जैसे ही काम खत्म हो जाते हैं ऐसे काट देते हैं ताकि इसको और याद ना रखना पड़े, ठीक है। और जिसका बाकी है जैसे मृत्युंजय अभी भी बाकी है ना, तो मृत्युंजय को मैं इस तरह से एकदम बक्सा बना के रख लूंगा क्योंकि उसका अभी भी 100 रुपीज ड्यू है मेरे पास। ऐसा होता है, जेन्युइनली बताना, हाँ सर, ऐसा ही हाँ होता है, ठीक है। ऐसा ही होता है और ऐसे ही मतलब जो जिसका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है ना उसको इस तरह से ना काट देते हैं, हिजी बिजी कर देते हैं। ऐसे बच्चे लोग जैसे बचपन में आप लोग करते थे ना कॉपी के अंदर, कुछ तो करते नहीं थे बस ऐसे हिजी बिजी करते थे, वो भी ऐसा ही करता है। जब काम खत्म हो जाता है ना हिजी बिजी कर देता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको ना, दिस इज अ बुक कीपिंग कॉन्सेप्ट, दिस इज अ बुक कीपिंग कॉन्सेप्ट। और आप एक चीज बार बार एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि अकाउंट्स हैंडल करने के टाइम पे या बुक कीपिंग करने के टाइम पे मेनली उसी को याद रखा जाता है जिसका क्रेडिट सिस्टम है। मतलब अगर वो उधारी में सामान ले रहा है ना तभी जाके हम उसको याद रखते हैं। तो अकाउंट्स का एक चीज आप एकदम ध्यान पे रख लेना, अगर क्रेडिट सिस्टम है, बिकॉज देर इज अ क्रेडिट सिस्टम, बिकॉज देर इज अ क्रेडिट सिस्टम इन द मार्केट, क्रेडिट सिस्टम के कारण ही अकाउंट्स का इतना जरूरत है। ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो है ये इसी कारण इतना ज्यादा जरूरत हो गया क्योंकि क्रेडिट सिस्टम है। अगर क्रेडिट सिस्टम नहीं होता ना और सिर्फ क्रैश सिस्टम में कैश सिस्टम में सब कुछ होता हैंडल होता तो शायद आपको आज अकाउंटेंसी सीखने का इतना भी जरूरत नहीं होता, ठीक है, इतना भी जरूरत नहीं होता। एम आई राइट और रॉन्ग, आपको क्या लग रहा है, लॉजिक है कि नहीं? मैं जो भी बोलूँ आपको एकदम आंख बंद करके सुनने का नहीं है, इंटरेक्टिव बातें हैं, ठीक है। मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ आप क्या सोच रहे हो, तो हर बात एकदम आंख बंद करके सर ने कहा होगा तो जरूर होगा ऐसा भी बात नहीं है। आपके मन के अंदर ना एक लॉजिक काम करता है हर चीज के पीछे, हर चीज में सबके अंदर ना एक लॉजिक काम करता है। अपने अंदर का वो लॉजिक को हमेशा ना एक्टिव रखना, ठीक है। ये नहीं कि हर बात बात में आप चालू हो जाओ, टाइम लेना सीखना, उसके बाद लॉजिक के साथ सोचना, उसके बाद आप जरूर क्वेश्चन करना। स्टूडेंट्स कितना अच्छे से सीख रहा है कैसे पता चलता है जानते हो? एक स्टूडेंट कितना अच्छे से सीख रहा है इसका पता हमें कैसे चलता है एज ए टीचर? हम पता लगा लेते हैं उसके क्वेश्चन से। हाउ यू क्वेश्चन, मैं आपको कुछ पूछूं आपने बहुत अच्छा आंसर कर दिया। जैसे एक नॉर्मल परसेप्शन है कि स्टूडेंट्स अगर बहुत अच्छा आंसर कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब टीचर सोच रहा है वाह क्या आंसर कर रहा है। नहीं, स्टूडेंट के आंसर से ज्यादा डिपेंड करता है हाउ हाउ द क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सवाल ही हमें बता देगा कि आप कितना सीख रहे हो। सवाल का डेप्थ से ही पता चल जाता है। थ्री इडियट्स आप लोग अगर देखे होंगे वहां पर इस तरह का कंसेप्ट बहुत दिखाया था। वो थ्री इडियट्स में अपना जो रणछोड़ दास थे वो बार बार सवाल करता था, और एक था अपना क्या नाम था उसका, साइलेंसर, ठीक है। उसको जो भी पूछता था वो बड़ा अच्छे से बोल देता था, लेकिन देखो जो जिसके मन में सवाल आता था ना वही आगे जाके बहुत सक्सेसफुल बना। और वो जो थ्री इडियट्स का किरदार आमिर खान ने निभाया था रणछोड़ दास चांचड़ के हिसाब से, वो कैरेक्टर जो है ना वो रियल कैरेक्टर है, वो सच में साइंटिस्ट है, ठीक है। फुंगसुक वांगड़ू वहां पर नाम हुआ था, वो फुंगसुक वांगड़ू नहीं है, थोड़ा नाम अलग है, लद्दाख का है, ठीक है।
लद्दाख का है, ये जहां पर अभी चाइना के साथ इंडिया का झमेला चल रहा है ना, वहीं का है। जो भी हो, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो आपके मन में क्वेश्चन बिल्ड करो, हाउ यू आंसर इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। वो इंस्टीट्यूट के एग्जाम क्रैक करने के लिए ठीक है, बट फॉर योर लाइफ एग्जाम, करियर के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना सवाल मन में आएगा उतना अच्छा जवाब आएगा। ओके, तो जो भी हो, इसी बुक कीपिंग को अगर जब हम लोग थोड़ा सा साइंटिफिक वे में एक सिस्टम के साथ करते हैं, आज सीखेंगे अकाउंटिंग, आज इसी में बात करेंगे, हाउ इज दिस अकाउंटिंग फंक्शन वर्क, आज यही सीखना है सर, ठीक है। आज बुक कीपिंग नहीं, आज बुक कीपिंग का एडवांस पोर्शन, ठीक है, अकाउंटिंग करना है। फिर अकाउंटिंग सीखने के बाद हम लोग पता कर लेंगे कि अकाउंटेंसी है क्या, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा। ओके, उस दिन मेरे से दो तीन बातें बोलना बाकी था, जिसमें हम लोग ये भी सीखे थे लास्ट क्लास में कि किस तरह से पूरा अकाउंटिंग साइकिल काम करता है। अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या होता है, जर्नलाइजिंग होते हैं, पोस्टिंग होते हैं, बैलेंसिंग होते हैं, ट्रायल बैलेंस होते हैं, ठीक है। जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, आज हम लोग यही सीखेंगे कि जर्नल करने के लिए क्या करना चाहिए, ये जर्नलाइजिंग करने के लिए आपको क्या नॉलेज चाहिए, आज यही सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एकदम दिल थाम के बैठो और कंसेंट्रेशन के साथ। अच्छा, सामने कॉपी किताब लेके बैठ जाओ, कॉपी एंड पेन, क्योंकि आज बहुत काम करना है। ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट, मतलब बैलेंस शीट, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशंस किए थे, और भी डिस्कशंस किए थे। ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, ये किसको दरकार है, ये किसको दरकार है, हु नीड दिस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ एन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, ठीक है। किसको चाहिए अकाउंट्स, ये अकाउंट्स करके होगा क्या, खाएंगे क्या, खाएंगे क्या और सोचेंगे क्या, नहीं, ना तो खाना है ना तो सोचना है। बेसिकली इसके यूजर्स कौन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसको बनाने का फायदा ही क्या है। हर काम करने से पहले ना क्वेश्चन क्या करो कि इस काम को क्यों करना है और इस काम को करके हमें आगे क्या होगा, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ। ओके, तो ये भी हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात किए थे, जो भी मैंने डिस्कशंस कर चुका था, एंटिटी क्या होता है, इवेंट क्या होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, वाउचर क्या होते हैं, ये भी बात हुआ था। एंट्री क्या होते हैं, एंट्री मतलब जर्नल एंट्री का बात हो रहा है। एसेट्स, ये थोड़ा मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, व्हाट इज दिस एसेट। ओके, ये एसेट मुझे आज बताना है, एसेट बताते हुए ही मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि और क्या क्या हमें सीखना है। ओके, चलो, आप लोगों को आवाज आ रहा है मेरा, सबको सुनाई दे रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। वेट, हाँ, ओके। तो देखो, आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज सीखेंगे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस। ये अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या है, ये अकाउंटिंग इक्वेशंस है बेसिकली अकाउंट्स का हार्ट। इसी के कारण हम लोग अकाउंट्स को अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। तो बहुत पेशेंस के साथ एक एक पॉइंट बारीकी से सुनना, ठीक है, तो जाके आपको समझ में आएगा कि सिचुएशंस क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले जो भी कुछ बातें हैं मैं आपको बताता हूँ। ये नोट्स मैं आपको क्लास के बाद शेयर कर लूंगा आपसे, डोंट वरी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, व्हाट इज दिस अकाउंटिंग इक्वेशंस, सुनना देखना। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग एक मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जाता है मेनली। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन द रिसोर्स एंड द सोर्सेज व्हिच फाइनेंस द सोर्स रिसोर्सेज एंड इज एक्सप्रेस्ड एज अंडर रिसोर्स इक्वल्स टू सोर्स ऑफ फाइनेंस। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिसोर्स इक्वल्स टू सोर्स ऑफ फाइनेंस? सर, इकोनॉमिक्स क्लास हम लोग करते हैं, वहां पर हम लोगों ने ये बातें करते हैं नॉर्मली। ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, द होल वर्ल्ड,
होल वर्ल्ड इज डिपेंड ऑन व्हाट, पूरा वर्ल्ड का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है ये किस पे टिका है, इकोनॉमिकल कंडीशन हर एक कंट्री का, रिसोर्स, वेरी गुड सर, नेचुरल रिसोर्स, एवरी कंट्री हैव सम नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, उसी रिसोर्स के कारण उसका इकोनॉमिकल कंडीशन डिपेंड करता है, जैसा जैसा कंट्री, जैसा जिस कंट्री में मिलता है वहां पर वैसा रिसोर्स। मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ तो आप, ताकि आपको एक आइडिया क्लियर हो जाए, एक आइडिया क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज हम आपको बताएंगे वाले, देखिए आप, तो आप रिसोर्स क्या होता है आपका आइडिया एक आ जाएगा कि रिसोर्स कैसे काम करते हैं एंड हाउ रिसोर्स इज फुल्ली कनेक्टेड विद योर अकाउंटेंसी, ठीक है। ये देख रहे हो, ये जो एरिया आपको अभी दिख रहा है ना स्क्रीन में, ये मैं जहां पर हूँ उसी का जगह दिख रहे हो, केएसजी स्क्वायर लिखा हुआ है गूगल मैप में, देख पा रहे हो आप लोग? यस सर। हाँ सर, ठीक है, हम लोग यहाँ पर है, ठीक है, हम यहाँ पर है और मेरे आसपास का एरिया आपको दिख रहा है। तो नेचुरल रिसोर्स मैं आपको बताता हूँ, मेरे मैं जहाँ पर हूँ यार, यहाँ पर क्या नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये केएसजी स्क्वायर है, ठीक है, ये वीआईपी रोड है, ये एयरपोर्ट के पास ही है ये, ठीक है, देखो जस्ट एयरपोर्ट के पास ही हम लोग है, यहाँ पर है ये राजरहाट, ठीक है, यहाँ पर है ये दमदम, दिख रहा है ना दमदम एयरपोर्ट, यहाँ पर है प्रगति लोग यहीं पर रहता था। अच्छा, तो ये मेरे घर के सामने नेचुरल रिसोर्सेस देखो, ये है गंगा नदी, होगा हार्डली देखा जाए तो हार्डली 7 से 8 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, ठीक है, जो गैंजेस है वो यहाँ पर है, तो यहाँ गैंजेस है और एक नेचुरल रिसोर्स, तो गैंजेस के कारण ये जो एरिया है ना इट्स वेरी फर्टाइल एरिया, बट अभी तो ये सिटी बन चुका है तो इसका फर्टिलिटी का रिसेंटली अभी कोई काम नहीं है क्योंकि इसको सिटी बना दिया गया है, तो सिटी बनने के बाद उसका फर्टिलिटी का क्या। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बहुत ही गजब का नेचुरल रिसोर्स है कोलकाता का, जो एकदम मेरे मैं जहाँ रहता हूँ उसके एकदम बगल में ही है, इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, सॉल्ट लेक, ठीक है, सॉल्ट लेक सिटी के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। ये देखो, ये है सॉल्ट लेक, ये जो एरिया दिख रहा है ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज बना हुआ, ठीक है, दिस इज अ सॉल्ट लेक सिटी। ये सॉल्ट लेक सिटी जो है, इसको सॉल्ट लेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारा नेचुरल लेक है, अगर इमेज रियल में ही कितना बड़ा होगा, अगर कभी भी कोलकाता आते हो आप लोग, जो लोग कोलकाता में हो ऑलरेडी, अगर ये सब एरिया में कभी विजिट करते हो ना तो आपको ये सब लेक जरूर दिखेगा। और ये लेक कोई बना हुआ लेक नहीं है, ये एकदम नेचुरल लेक्स है और ये सॉल्टी है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सुंदरबन एरिया से कनेक्टेड है। इस लेक का एक बहुत बड़ा खासियत क्या जानते हो, कोलकाता में जो आपका मतलब इतना बड़ा सिटी है, इस सिटी का जितना भी वेस्ट होता है ना, वेस्ट मतलब जैसे हर एक सिटी का एक अपना वेस्ट होता है, जो भी क्या मतलब हम लोगों का जो भी मतलब हर एक घर का जो भी वेस्टेज मटेरियल्स है वो ड्रेनेज के थ्रू से एक जगह में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जाके वो हर एक सिटी का अपना, दिल्ली में अपना होता है, मुंबई में अपना होता है, लेकिन दिल्ली मुंबई जैसे सिटी को ना इस तरह का वेस्टेज को मतलब रिसाइकल करने के लिए, रिसाइकल या फिर जितना हो सकता है उसको इधर करने के लिए काफी एक्सपेंस होता है, लेकिन कोलकाता में इसका एक्सपेंस ना काफी कम है, कोलकाता में इसका एक्सपेंस बहुत ही कम है। क्यों जानते हो, कोलकाता में इसका एक्सपेंस इसलिए कम है क्योंकि कोलकाता में ये जो सॉल्ट लेक है ना, ये
ये जो सॉल्टी लेक है, ये लेक का पानी पूरा सिटी का वेस्टेज को रिफाइन कर सकता है, रिसाइकल कर सकता है। मतलब आप जितना भी वेस्टेज डाल दो ना इसमें, जितना भी वेस्टेज डाल दो, ये अपने आप में रिफाइन कर देता है, बिकॉज ऑफ इसका जो कैरेक्टर है, इसका जो सॉल्टी कैरेक्टर है, जो नॉर्मली एक समुंदर में होता है, इसका जो सॉल्टी कैरेक्टर है ना, ये पूरा का पूरा एक सिटी, ये इतना बड़ा कोलकाता शहर है, पूरा कोलकाता सिटी का पूरा वेस्टेज को ये पूरा का पूरा रिफाइन कर सकता है, रिसाइकल कर सकता है। तो इसमें एक कंट्री का इकोनॉमी, मतलब स्पेशली कोलकाता का इकोनॉमी में बहुत सुविधा होता है, जहाँ पर दिल्ली मुंबई जैसे कंट्री सिटीज को इसके बारे में उसको चिंता करना पड़ता है, अलग अलग उसको मशीन्स लगवाना पड़ता है, बट कोलकाता इसका बड़ा एडवांटेज लेता है। तो लास्ट ईयर एक टीम आया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, यूनाइटेड नेशन से, कि बोला गया था कि ये सब जो पानी का जो एरिया है इसको बहुत ही अच्छे से रिजर्व करने के लिए, ताकि, और यहाँ पर बहुत अच्छा मछली वगैरह भी होता है जो शहर में मिलता है, और साथ में यहाँ का मतलब आसपास के एरिया में जो ग्रीन लैंड है, जहाँ पर बहुत अच्छा वेजिटेशन भी होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह से एक सिटी का सराउंडिंग एरिया और ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा वर्ल्ड का और एक कुछ चीज, कि जैसे आपको मैंने बंगाल दिखाया, ठीक है, अभी जो आप देख रहे थे दैट इज वेस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल का कुछ फर्टाइल एरिया आपको मैं दिखा रहा था ये वाला एरिया में। अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ वर्ल्ड का ऐसा पार्ट जो फर्टाइल नहीं है, ये देख पा रहे हो, सऊदी अरेबिया, ओमन, यमन, इराक, देख पा रहे हो क्या, बताओ? यस सर। यहाँ पर ना, यहाँ पर मिट्टी खोदने से पानी नहीं मिलता, यहाँ पर मिट्टी खोदने से ऑयल फील्ड मिलता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर जैसे जमीन फर्टाइल होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होते हैं, इंडिया में, ये चाइना है, चाइना में भी वैसा ही है, ठीक है। लेकिन ये जो मिडिल ईस्ट है, इसको कहते हैं मिडिल ईस्ट, एशिया में ही आता है लेकिन वर्ल्ड का बीचों बीच है, इसलिए मिडिल ईस्ट के नाम से जाना जाते हैं। इसका नेचुरल रिसोर्स है इसका ऑयल फील्ड, बेसिकली जो पेट्रोल डीजल है दुनिया का, ये पेट्रोल डीजल ये मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है यहीं से मिलता है, यही वाला एरिया है जो पूरा वर्ल्ड को पेट्रोल डीजल का सप्लाई देता है, कुछ ये वाला अफ्रीका का भी कुछ एरिया है, ठीक है। तो देखो ये पूरा वाइट दिख रहा है ना, बेसिकली मैक्सिमम एरिया डेजर्टेड एरिया है, मैक्सिमम एरिया डेजर्टेड एरिया है, लेकिन ये डेजर्टेड एरिया में भी ना काफी सारा ऑयल फील्ड अभी भी डिस्कवर हो रहा है। और जो इस एरिया का इकोनॉमी को, जैसे आप लोगों को पता है कि दुबई, ठीक है, ये सऊदी अरबिया के अंदर ही आता है, दुबई, यूएई, कितना मतलब हाईफाई इकोनॉमी है अभी करेंटली वर्ल्ड का, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी स्ट्रांग हुआ है तो उसके कारण क्या है, वहां का नेचुरल रिसोर्सेस, किसी भी कंट्री का, इंडिया का इकोनॉमी हमेशा स्टेबल रहता है, इंडिया का इकोनॉमी हमेशा स्टेबल रहता है, क्यों जानते हो? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चरल बेस्ड है। ग्रीन लैंड दिख रहा होगा आपको, यहाँ हिमालय है इंडिया का, यहाँ पूरा का पूरा समुद्र, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी मुंबई साइड में, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा गैंजेस लैंड है, बिहार, बंगाल, यूपी, ये जो एरिया है ये बहुत फर्टाइल है, एकदम गैंजेस डेल्टा है ये। तो बेसिकली कहना मैं यही चाह रहा हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह से अलग अलग कंट्री का इकोनॉमिकल सिस्टम को पकड़ के रखा है, और उसके ऊपर डिपेंड करता है उस कंट्री का अकाउंटिंग पैटर्न, जैसा आपका बिजनेस वैसा आपका अकाउंटेंसी, हाँ या ना बताओ? आपका रिसोर्स होगा तब ना। अब जो पॉइंट में मैं बात कर रहा था उस पॉइंट में मैं डायरेक्ट फोकस करता हूँ। सर, इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। नॉर्मली मैं इससे बात इकोनॉमिक्स में करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा आपको आइडिया देना चाह रहा था, एक बार आप देख तो लो कि क्या सिचुएशंस होता है। ओके, अब देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैं बता रहा था अकाउंट इक्वेशंस में। अभी देखो, अगर किसी के मन में थोड़ा सा भी डाउट चल रहा था, वो डाउट क्लियर है। रिसोर्स इक्वल्स टू सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये पॉइंट अभी कितना ईजी लग रहा है। हाँ, अब देखो इसको आगे, अभी आपको मगअप करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिसोर्स है, मतलब जैसे अगर मैं दुबई का बात कर रहा था, मतलब मिडिल ईस्ट का, तो दुबई में क्या है, ऑयल फील्ड है, दुबई, इराक, ईरान में, तो ऑयल फील्ड क्या है, उसका रिसोर्स है, और उसी से तो उसका फाइनेंस है, मतलब पैसा कहाँ से आता है उसका, तेल से आता है। तो रिसोर्स इक्वल टू सोर्स ऑफ फाइनेंस, एकदम सिंपल, इसको समझना क्या है, ऑयल इक्वल्स टू मनी, इंडिया में एग्रीकल्चर इक्वल्स टू मनी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इक्वल्स टू मनी, ठीक है। तो रिसोर्स इक्वल्स टू सोर्स ऑफ फाइनेंस, अब हम लोग देखना ये रिसोर्स इक्वल्स टू सोर्स ऑफ फाइनेंस को प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी यहाँ पर देख रहा है, ये फॉर्मूला का पूरा एकदम डिटेल्स देखते हैं, ये कैसे बनता है, ध्यान से देखना, अकाउंटेंसी एकदम आपको ना जहन में जाएगा, प्यार करोगे अकाउंट्स को, गारंटी देता हूँ प्यार आ जाएगा। रिसोर्स मीन्स द एसेट, अगर सुन रहे हो आप ऑब्वियसली, बहुत ही प्यार से पढ़ रहे हो, तो रिसोर्स मीन्स द एसेट,
द एसेट रेफर्स टू द टैंजिबल एसेट फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग. एसेट कैसे होते हैं? दो तरह का एसेट होता है, एक होता है टैंजिबल एक होता है इनटैंजिबल. ठीक है, एक होता है टैंजिबल एक होता है इनटैंजिबल. टैंजिबल एसेट्स मतलब जिस एसेट को हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं. ठीक है, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब बेसिकली जिसका प्रेजेंस हम लोग बहुत ही इजीली महसूस कर सकते हैं, बहुत इजीली महसूस कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपके पास एक जमीन हो तो आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो ना, अगर उसके लैंड के साथ साथ लैंड का पेपर्स, जो पेपर्स होते हैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट पेपर, जो मतलब वो जमीन आपका है तो उसके लिए आपके पास कुछ तो पेपर होगा. तो अगर आपके पास कागजात हो तो आप बहुत ही इजीली बोल सकते हो कि टैंजिबल एसेट्स है, लैंड मेरा है, बिल्डिंग मेरा है, प्लांट एंड मशीनरी मेरा है, फर्नीचर मेरा है, आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके रखा वो भी आपका है, स्टॉक आपकी दुकान में स्टॉक है. आपका दुकान में स्टॉक का मतलब, स्टॉक को कहते हैं करंट एसेट्स. दो तरह का एसेट, टैंजिबल एसेट्स भी दो तरह का होते हैं, एक बार बता देता हूं आपको. टैंजिबल एसेट्स, एसेट्स मतलब एसेट्स को हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं. एक हो गया आपका टैंजिबल और एक हो जाता है आपका इनटैंजिबल. टैंजिबल इनटैंजिबल. अब टैंजिबल भी दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड और एक करंट. ठीक है, फिक्स्ड एसेट करंट एसेट. फिक्स मतलब जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर्स. ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, आप चाहे तो नोट कर सकते हो इसको. करंट एसेट में क्या आ जाएगा? करंट एसेट में आ जाता है आपका स्टॉक. स्टॉक मतलब जिस चीज को आप बिजनेस के लिए यूज करते हो ना, मतलब जिस चीज का आप बेसिकली धंधा करते हो उसको स्टॉक कहते हैं. अब कैसे, मतलब मानो कि आप बिस्किट्स का दुकान चलाते हो सपोज. ठीक है, तो बिस्किट्स आपके लिए क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा. बिस्किट्स का अगर बिजनेस करते हो, बिस्किट स्टॉक. जो बिल्डिंग का बिजनेस करता है, ठीक है, आप बिल्डिंग का बिजनेस करते हो, कभी जमीन का बिजनेस करता है ना, बिल्डिंग का बिजनेस, जमीन का बिजनेस भी करता है, उनके लिए भी वो हो जाएगा स्टॉक. ठीक है, तो करंट एसेट होने के लिए जरूरी नहीं कि वो देखने में लैंड बिल्डिंग जैसा ही हो. बेसिकली करंट एंड फिक्स एसेट का बेसिक डिफरेंस यही है कि जो एसेट एक साल, मतलब जो एसेट लेस देन वन ईयर के लिए आपके पास होगा, लेस देन वन ईयर के लिए आपके पास होगा तो करंट एसेट, अगर मोर देन वन ईयर हो जाता है तो वो हो जाएगा फिक्स्ड एसेट. ठीक है, मोर देन वन ईयर हो जाएगा तो फिक्स्ड एसेट्स एंड लेस देन वन ईयर हो जाएगा तो करंट एसेट. अब ये करंट एसेट में स्टॉक भी है, डेटर है. डेटर, डेटर मतलब जिसको आपने प्रोडक्ट सेल किया. ठीक है, डेटर कौन होता है? जिसको प्रोडक्ट सेल किया उससे आपको पैसा मिलने वाला है, तो पैसा मिलेगा मिलेगा ही तो एसेट है. ठीक है, तो डेटर उसी को कहते हैं जिसको आप, जिससे आपको पैसा मिलेगा उसको कहते हैं डेटर, DEBTOR. ठीक है, बहुत लोग बाय मिस्टेक इसको डेप्टर भी कह देते हैं कभी कभी. दिस इज नॉट कॉल्ड डेप्टर, बी यहाँ प्रोनाउंस नहीं होता, डेटर. ठीक है, तो डेटर मतलब ये भी एक करंट एसेट है क्योंकि आप जिसको प्रोडक्ट सेल करते हो उससे आपको पैसा मिलेगा. ऑब्वियसली आप एक साल के अंदर ही पैसा लोगे ना, ऐसा तो नहीं ना कि आज सेल करते हो और पांच साल बाद पैसा लेते हो, ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना. तो यही सिंपल है कि जो पैसा मैं एक साल के अंदर ले सकता हूं, तो नॉर्मल सेंस में डेटर भी करंट एसेट्स होते हैं. तो स्टॉक, डेटर, ये सब हो गया करंट एसेट्स. आगे इसके बारे में और चर्चा होगा, बट एक रफ आइडिया आप ले लो कि एसेट्स में टैंजिबल मतलब जिसको आप टच एंड टच कर सकते हो एकदम डायरेक्टली, तो छू सकते हो, उसको कहते हैं टैंजिबल. और होता है इनटैंजिबल. इनटैंजिबल में क्या आता है? इनटैंजिबल में आ जाता है गुडविल. ठीक है, जिसको आप लोग, जिसको आप छू नहीं सकते, यू ओनली कैन फील इट. ठीक है, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो और इसका कॉपी में मतलब प्रेजेंस होते हैं, मतलब इन योर पेपर कि आपका गुडविल का एक वैल्यू है. जैसे कि ब्रांडेड कंपनी. ठीक है, ब्रांडेड कंपनी, आप मार्केट में जाके कोल्ड ड्रिंक्स जब मंगवाते हो तो आप पेप्सी कोको कोला ही क्यों मंगवाते हो? मार्केट में तो और भी कंपनीज है, पेप्सी कोको कोला ही क्यों? क्योंकि पेप्सी कोको कोला का ऑलरेडी गुडविल अर्निंग है इस पॉइंट में. ठीक है, क्योंकि इसका इतना अच्छा खासा गुडविल इतना दिन से और मतलब गैदर किया है. प्रोडक्ट में तो ऐसा कुछ है नहीं, पेप्सी कोको कोला इज अ वेरी बैड प्रोडक्ट. इवन तो मतलब कोई कोई तो इससे अपना बाथरूम का टॉयलेट तक भी साफ कर लेता है, और ये शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है. सोडियम कार्बोनेट है, दिस नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ. लेकिन फिर भी इसका गुडविल, मार्केटिंग और बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस लोग इसको इतना प्रमोट किया, खुद पीते नहीं है. लेकिन एक न्यूज़पेपर
हाँ ये लेके बस्ते में बच्चा लोग चलता है, मतलब स्पेशली अभी भी छोटा स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस एरिया में अभी भी ये चाल है, ठीक है, मतलब मैं थोड़ा फैशनेबल हो गया, और हाथ में पेप्सी कोको कोला का बॉटल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इट्स लुक फैशनेबल, बिकॉज ब्रांडिंग है इसका, इसका हाई फाई ब्रांडिंग है, बड़े बड़े कंपनीज इसको ऐड देते हैं, ठीक है, तो ये जो भी हो, ठीक है, खराबी मैं सोशल मैटर पे बात नहीं करना चाहता, मैं बिजनेस मैटर पे बात करना चाहता, ये ऐसा लगता है कि पेप्सी कोको कोला इंडिया का कंपनी है, एकदम नहीं, ये दोनों कंपनी यूएस का कंपनी है, दोनों अलग कंपनी है, ये पेप्सिको है और ये कोको कोला है, ठीक है, दोनों कंपनी अलग कंपनी है, दोनों कंपनी यूएस का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कंपनी है, लेकिन इतना ज्यादा फैला हुआ है वर्ल्ड बेसिस में, ठीक है, कि ऐसा फीलिंग आता है, अफ्रीका में भी जाओ बहुत ज्यादा चलता है, इंडिया में भी बहुत ज्यादा चलता है, ऐसा फीलिंग आता है कि जैसे यहीं का कंपनी है, मैं तो अपने जन्म से देख रहा हूँ, उससे पहले से ये मार्केट में अवेलेबल है, और ऐसा फील होता था भाई होगा कोई लोकल कंपनी, नहीं कोई लोकल कंपनी नहीं है, एकदम यूएस से कंट्रोल होते हैं, तो ये जो इसका गुडविल हुआ मार्केट में, तो इसको कहते हैं ये इनटेंजिबल है, ठीक है, गुड्स जो है वो तो टेंजिबल है, लेकिन ये जो गुडविल के कारण इसका सेल होता है इतना, ये उसका इनटेंजिबल है, इसको हम टच नहीं कर सकते, बट हाँ ऑब्वियसली फील कर सकते हैं, ठीक है, ठंडा मतलब कोका कोला, ठंड तो कोई भी चीज हो सकता है, लेकिन ठंडा का मतलब कोका कोला ही है, ऐसा गारंटी का क्या, ये इसका गुडविल ही है कि ठंडा का मतलब वो कोका कोला ही बोलते हैं, और हम लोग भी घर में कोई जाता है तो कोई ठंडा वंडा लीजिए, तो ठंडा वंडा के नाम पे हम लोग स्प्राइट लाते हैं, है ना, स्प्राइट भी कोका कोला का ही एक ब्रांड है, स्प्राइट जो है ना वो कोका कोला का ब्रांड, ये पेप्सी और कोका कोला हम लोगों को ना अलग अलग नाम से लूटते हैं, ठीक है, जैसे कि जिसको हम कोका कोला में स्प्राइट के नाम से जानते हैं, आप आज ही मार्केट में जाके इसका सर्वे कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो, पेप्सी के ब्रांड के अंदर आपको मिल जाएगा सेवन अप, ठीक है, अगर आप फैंटा और मिरिंडा, ठीक है, फैंटा हो जाता है पेप्सी को का, सॉरी कोका कोला का, और मिरिंडा हो जाएगा पेप्सी को का, ठीक है, कोका कोला का इस तरह है, तो पता है कि ये सब भी अलग अलग ब्रांड के नाम पे एक ही कंपनी का है, अलग अलग ब्रांड नेम पे एक ही कंपनी का है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रांड नेम, ठीक है, ब्रांड नेम मतलब हो जाता है आपका पेटेंट, ठीक है, मैं बेसिकली क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है, तो ये गुडविल तो एक है ही कंपनी का, साथ में उसका जो ब्रांड नेम है ना वो उसका पेटेंट है, आप अगर चाहो ना, सपोज आपको मन हुआ कि आप एक कोल्ड ड्रिंक्स बनाओगे और उसका नाम भी रखोगे माजा, या आपको लगता है कि आम का स्लाइस, ठीक है, मैंगो का स्लाइस होता है तो उसी नाम से आप भी रखना चाहते हो स्लाइस, यू वांट टू कीप योर कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी ब्रांड नेम इन दिस नेम, ठीक है, यू वांट स्लाइस और माजा, क्या आप रख सकते हो, नहीं, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी पेटेंट बुक किया हुआ है, किसका, ऑलरेडी पेटेंट बुक करके रखा पेप्सी कोका कोला ने, और मार्केट में ऑलरेडी इसका सेल चलता है, तो ये जो पेटेंट है, ठीक है, ये जो पेटेंट है ये भी एक तरह का इंटेंजिबल एसेट्स है, ये भी एक तरह का इंटेंजिबल एसेट्स है, जिसके कारण ये अपना ब्रांड मार्केट में ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी पॉपुलर कर चुका है, तो ये जो एसेट्स है इसके बारे में भी आपको और आगे आगे आइडिया मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल तो आप समझ पा ही रहे हो, तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट किस चीज का होता है बोलो, कॉपीराइट मतलब मूवीज जो मार्केट में निकलता है ना, आप अगर वही वाला मूवी मार्केट में अलग से कहीं पर पब्लिश करते हो अपना मूवी बोल के, या फिर किताब, ठीक है, आपके घर में किताब होगा, स्कूल में भी पढ़े होंगे, जो पब्लिशर जो किताब छापते हैं ना, जैसे कि मार्केट में बहुत पॉपुलर कुछ पब्लिशर का नाम मैं बता सकता हूँ आपको, एस चांद पब्लिकेशन, ठीक है, टाटा एमसी ग्रॉ, टाटा मैग्रॉ, ठीक है, एमसी ग्रॉ हिल, ठीक है, इस तरह का पेंगुइन, इस तरह का फेमस कुछ पब्लिशर्स है, तो अगर कोई किताब इनका है, अगर कोई वही किताब को मार्केट में कुछ अलग नाम से बेचना चाहते हैं तो वो कॉपीराइट में गिर जाएगा, क्योंकि उस किताब में, उस मूवीज में ऑलरेडी कॉपीराइट किया हुआ है, और जो कॉपीराइट ऑलरेडी है उसमें और किसी का हक नहीं हो सकता, ठीक है, तो कॉपीराइट रजिस्टर्ड करना पड़ता है, गुडविल भी रजिस्टर्ड हो जाता है, गुडविल तो बेसिकली रजिस्टर्ड करने का जरूरत नहीं है, गुडविल मेनली आपका पास्ट एफर्ट के कारण आप आज जहां हो, ठीक है, whatever situations are you now in your today's present conditions, ठीक है, वो आपका goodwill है, अगर आप कुछ अच्छा किए होंगे future में, sorry past में, अगर आप past में कुछ अच्छा किए होंगे और अगर उसका benefit आपको आज मिलता है तो वही आपका goodwill है, goodwill simple यही मानो कि आपका past का किया धारा जिसके कारण आज आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, जैसे अगर आप पहले पढ़े रहते, मतलब कोई भी education के बारे में अगर बात करें कि अगर आप पहले से बहुत अच्छे से पढ़ के रखते हो तो एग्जाम सिचुएशन में आपको बेनिफिट मिलेगा,
ठीक है, तो फिर आपका दोस्त लोग आपको बोलेगा भाई तेरा तो बात ही कुछ और है, तू तो सब कुछ जानता है। तो ये जो आपको एक बिन ये जो आपको एक सुनने को मिल रहा है ना तारीफ, ठीक है, ये आपका क्या है, गुडविल। बट ये गुडविल आपको कहाँ से मिला, आपका पास्ट एफर्ट, आप पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई किए, ठीक है, आप पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई किए, जब जो चीज करना चाहिए था, जब जो चीज सुनना आपने किया, तो आपने पास्ट एफर्ट लगाया, जनरेट हुआ, और तभी आपको अपना दोस्त या फिर टीचर्स लोग या फिर पेरेंट्स लोग, नहीं नहीं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत ही हुनहार है, सिंसियर है, ठीक है, दोस्त लोग बोलते हैं हाँ भाई तेरा तो बात ही कुछ और है, तू तो बहुत अच्छा पढ़ाई में है, तेरा क्या चिंता, बस तेरे सामने मेरे को बैठने का जगह दे देना, मेरा तो जिंदगी निकल जाएगा। तो ये क्या है, आपको क्या मिल रहा है, फुटेज मिल रहा है ना आपको, ये फुटेज क्या है, दिस इज जस्ट नथिंग, दिस इज अ गुड विल, और वह गुड विल आपको पास्ट एफर्ट के कारण प्रेजेंट कंडीशंस पे बेनिफिट मिलता है, प्रेजेंटली मिलता है, प्रेजेंटली यू एंजॉय। तो आई थिंक ये टैंजिबल इनटैंजिबल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हेलो मृत्युंजय, यस सर, समझ में आया है, वेरी गुड सर। तो ये है, हाँ बोलो सर, बोल रहे कि जो स्टॉक्स होता है ना, मतलब शेयर होता है, उससे जो डिविडेंड मिलता है उसको क्या कहेंगे, कौन सा एसेट डिविडेंड, वो टैंजिबल है, डिविडेंड जो मिलता है वो टैंजिबल है, क्योंकि तुमको डिविडेंड मिल रहा है वो तुम उसको कैश में ट्रांसफर कर सकते हो, उसको तुम डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट टच कर सकते हो, डिविडेंड तो कैश में होता है ना, इन्वेस्टमेंट, ये देखो ना तू जो पूछ रहा है ना, डिविडेंड कब मिलता है, इन्वेस्टमेंट में मिलता है, दिस वन, ये टैंजिबल है, स्टॉक, डेटर, बैंक, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, ये सब टैंजिबल है। इंटेंजिबल में क्या आता है, पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, आपका बिजनेस का जो लोगो होता है, हर एक बिजनेस का अपना एक लोगो होता है, ठीक है, वो लोगो अब क्या टच करोगे, ये लोगो तो जस्ट आपका फीलिंग है कि यही आपका बिजनेस है, वो लोगो से आप, जैसे एप्पल का, एप्पल के फोन के पीछे एप्पल का जो मार्क है, ठीक है, हर एक एप्पल के आईफोन, आईफोन के पीछे जो एक एप्पल रहते हैं, इसका इसका क्या खूबी देखे हो, कभी कभी फील किए हो, इसका कुछ खूबी नहीं है, उसका अपना ट्रेडमार्क है, ठीक है, अपना ट्रेडमार्क है। लोग जब आईफोन परचेस करता है, मैं इसे एक्सपीरियंस करके देखा, ठीक है, खुद तो कभी नहीं किए, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा देखा कि आईफोन जब भी कोई परचेस करता है, ये देखो दिस वन, मैं ही बताना चाह रहा था कि ये आईफोन के पीछे ये एक एप्पल का इमेज होता है, देख पा रहे हो, हेलो, हाँ सर, हाँ, तो ये इसका, ये इसका क्या है, ये इसका ट्रेडमार्क है। अब ये जो ट्रेडमार्क इसने लिया, इवन अगर कोई एप्पल का फोन परचेस भी करता है ना, तो वो एप्पल को इस तरह से हाथ में लेके चलता है या पॉकेट में लेके चलता है, ताकि कहीं ना कहीं दिख जाए कि उसके हाथ में एप्पल है, ठीक है, तो मैं देखा हूँ, ठीक है, कि स्पेशली इन सिटीज, इवन गाँव में भी, कि एप्पल अगर किसी ने खरीद लिया ना, तो एप्पल का जो एप्पल है उसको दिखाने के लिए पागल चलता है। इसका मतलब एक चीज तो पूरा एकदम तय है कि ये इसका ट्रेडमार्क बहुत ही अच्छा मार्केट में गुडविल कमाया है, लेकिन इसको क्या फील करना है, एप्पल थोड़ी ना तुम तोड़ सकते हो, यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये आपका इंटेंजिबिलिटी को बताते हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स है आपका, अगर मतलब कंपनी के लिए भी इंटेंजिबल और जिसके पास आईफोन है उसके लिए भी इंटेंजिबल, तो यही है ट्रेडमार्क। जो भी हो, समझ में आ रहा है, मैं भी समझ पा रहा हूँ, अब चलो सर फटाफट। सर एक बात समझ में नहीं आया, क्या देखिए, जो टेंजिबल इंटेंजिबल होता है, जो पेटेंट और गुडविल होता है, जो कंपनी का ओनर है उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो लोग खरीद रहा है उसके लिए एसेट कैसे बन गया सर, उसके तो एक्सपेंसेस हो गया। नहीं नहीं, उसके लिए एसेट मतलब मैं फीलिंग में बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास एक आईफोन है वो तुम्हारे लिए एसेट नहीं है, एसेट मतलब फीलिंग अच्छा के लिए, फीलिंग अच्छे के लिए। अभी देखो इंटेंजिबल्स में फीलिंग अच्छे के लिए एसेट कैसे, मतलब मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा था, अगर तुम्हारे पास आईफोन है तो तुम एक गुड फीलिंग नहीं कर रहे हो, तो गुड फीलिंग एक्सपेंस में लोग करता है या फिर एसेट फीलिंग्स में करता है, आप बताओ, आपका खर्चा हो रहा है इसमें आप गुड फीलिंग करोगे या फिर आपके पास वो कोई अच्छा चीज आया है तब जाके आप गुड फीलिंग करते हो। हाँ अच्छा चीज आया इसलिए करते हैं, लेकिन वो क्या होता है ना कि पैसा निकल जाता है, ऐसे ही बोल रहे थे। हाँ पैसा ऑब्वियसली, किस चीज में, बिजनेसमैन के लिए पैसा नहीं निकलता क्या, अगर आप बिजनेस भी करोगे, अगर आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस के लिए जमीन परचेस नहीं करोगे, बिल्डिंग परचेस नहीं करोगे, प्लांट एंड मशीनरी परचेस नहीं करोगे, फर्नीचर परचेस नहीं करोगे, तो मेरा पैसा लाएगा ना बाद में। हाँ ठीक है, नॉर्मल इंसान के लिए जो सिर्फ ऐसे कस्टमर ले रहा है उसके लिए ऑब्वियसली वो रिटर्न जनरेट नहीं करेगा, लेकिन मैं बस यहाँ पर
आपको मतलब ट्रेडमार्क समझाने के लिए बता रहा था, ठीक है, टू अंडरस्टैंड हाउ ट्रेडमार्क मेनली फोकस, ट्रेडमार्क किस तरह से इंसान के मन में जगह लेता है, क्योंकि एप्पल का वो जो ट्रेडमार्क है उसी के कारण तो आप एप्पल को लेने के लिए पागल होते हो, उसी को मैं समझाने के लिए बता रहा था। ऐसा ये सभी पॉइंट बिजनेस से कनेक्ट करता है, लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा था कि एक ट्रेडमार्क कस्टमर्स के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब जो बेसिकली उसको कंजम्पशन कर रहा है वो भी सोच रहा है कि भाई हाँ मेरे पास कुछ खास चीज है, ठीक है, तो उसी को बताने के लिए मैं बोल रहा था। तो व्हाट इज द रियल मतलब इफेक्ट ऑफ ट्रेडमार्क, ठीक है, ओके ओके ठीक है, कॉपीराइट ओन बाय एंटरप्राइज, ओके। तो बेसिकली आपने क्या देखा कि रिसोर्स का मतलब है एसेट्स, एसेट कितना तरह का हो सकता है, दो तरह का, एक होता है टैंजिबल एसेट्स और एक होता है इंटेंजिबल एसेट्स, कितना कितना तरह का टैंजिबल इंटेंजिबल्स है आपने देखा, और एक चीज भी होते हैं एसेट्स और दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड होते हैं और एक करेंट होते हैं, ठीक है, फिक्स मतलब मोर देन वन ईयर, करेंट मतलब लेस देन वन ईयर, ठीक है, जितना दिन होल्ड करके रखोगे आप, अगर एक साल के अंदर आपको मिल रहा है एसेट्स तो वो वन ईयर का है, अगर एक साल के ज्यादा है आपके पास तो वो फिक्स्ड एसेट्स है। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ फिक्स्ड एंड करंट ऐसे नॉर्मली चलता है, आगे जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिकल्स में जाओगे आपको और क्लैरिटी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ इक्वेशंस रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स है जिसमें हमें बात कर लेना चाहिए, प्लीज थोड़ा ध्यान से देख लो। सोर्स ऑफ फाइनेंस मीन्स इक्विटीज, ध्यान से देखो प्लीज, सोर्स ऑफ फाइनेंस का क्या मतलब बता रहा है, बोल रहा है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब है इक्विटीज एंड इंक्लूड इंटरनल सोर्स और इंटरनल इक्विटी, सोर्स ऑफ फाइनेंस मींस इक्विटीज एंड इंक्लूड इंटरनल सोर्स और इंटरनल इक्विटी, इंटरनल सोर्स को इंटरनल इक्विटी कहा जा रहा है दैट इज कैपिटल, एंड एक्सटर्नल सोर्स को एक्सटर्नल इक्विटी दैट इज लायबिलिटीज कहा जाता है, इंटरनल इक्विटी दैट इज कैपिटल एंड एक्सटर्नल सोर्स मतलब एक्सटर्नल इक्विटी दैट इज लायबिलिटीज, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस करने के लिए दो चीज चाहिए, एक चाहिए आपको कैपिटल चाहिए, ठीक है, जो कैपिटल आप खुद से भी लगा सकते हो बिजनेस पे और आप बाहर से लोन भी लेके आ सकते हो, लेकिन दोनों मिला के आपका टोटल सोर्स ऑफ फाइनेंस बनता है। कोई भी बिजनेस करने के लिए आपके सामने दो ही उपाय है, टू स्टार्ट अ बिजनेस आपके पास चाहिए क्या, कैपिटल, You need a capital. अब capital आपको दो हिसाब से मिल सकता है, या तो आप अपने से लाओ, या तो अपने पापा को बोलो, ठीक है, या फिर अपने कोई relatives को बोलो, या फिर अगर खुद के पास savings में है तो वो पैसा लगाओ, तो उसको क्या कहेंगे, own capital. इसी own capital को कहते हैं equity. जो अपना होते हैं ना वो equity कहते हैं, true owner, equity का मतलब, हाँ बोलो please. So can you elaborate the equity term again? हाँ मैं बोल रहा हूँ, देखो सुनो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, इक्विटी बोल रहा हूँ मैं, इक्विटी का मतलब होता है ट्रू ओनर, इक्विटी का मतलब होता है ट्रू ओनर, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर कोई मतलब आप अगर खुद से जितना मनी इन्वेस्ट करते हो उसको क्या कहेंगे हम लोग, जो भी कैपिटल आप बिजनेस पे लगा रहे हो, टू स्टार्ट ए बिजनेस व्हाट यू नीड, आपको चाहिए कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए कैपिटल। अब ये कैपिटल आप कहां से ला सकते हो, एक ला सकते हो आप ओन कैपिटल दैट इज इक्विटी, ठीक है, दैट इज ट्रू ओनर। इक्विटी का मतलब होता है कि जो जितना, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 मेंबर है, ठीक है, 10 मेंबर है, हर कोई अगर सब कोई मिला के 10 लाख ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया ऑर्गेनाइजेशन को, 10 लाख, मतलब बेसिकली ये 10 लाख ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल है एंड ईच वन प्रोवाइड 1 लाख, ठीक है, ईच वन प्रोवाइड 1 लाख, तो हर किसी का इक्विटी कितना है, इक्विटी सब कोई कंपनी का ओनर है लेकिन हर किसी के पास 1 लाख का इक्विटी है, ठीक है। तो जो अगर कोई 1 लाख दिया है तो 1 लाख, अगर हो सकता है कि 10 लाख में से कुछ लोगों ने 2 लाख दिया और कुछ लोग 50,000 दिया, ऐसा भी हो सकता है। इक्विटी का मतलब यह है कि जो जितना देगा वो उतने का ओनर, सिंपल मीनिंग ऑफ इक्विटी इज How much you invest, that percentage of shareholding you own. How much you invest, that percentage of shareholding you own. अगर आप किसी कंपनी का टोटल कैपिटल है 10 लाख, किसी कंपनी का टोटल कैपिटल है 10 लाख और 10 लाख में आपने इन्वेस्ट किया 50,000, ठीक है, तो जस्ट कैलकुलेट की 10 लाख 50,000 का कितना परसेंटेज होता है, सॉरी 50,000 10 लाख का कितना परसेंटेज होता है, जितना परसेंटेज होगा अब उतने का इक्विटी आपका इक्विटी शेयर होल्डिंग उतना। अब जितना शेयर होल्ड करोगे कंपनी का, आपके पास कंपनी का उतना ओनरशिप है।
इक्विटी का मतलब होता है इक्विटेबल, इक्विटेबल का मतलब इक्वल नहीं होता, इक्विटेबल का मतलब होता है कि जितना परसेंटेज का आप होल्डिंग करोगे उतना परसेंटेज का कंपनी का शेयर का परसेंटेज आपको मिलेगा। ओके सर, एक सेकेंड वेट। जैसे आपने यहाँ पर कितना 50,000 का मैंने शेयर होल्डिंग बताया, आप करके बताओ तो कैलकुलेटर अगर है पास में तो। 50,000 दस लाख में कितना परसेंटेज होता है? 0.05 × 100, 5% होता है ना? Yes, sir. That means, अगर किसी कंपनी का टोटल कैपिटल है 10 लाख और आप उस कंपनी में 50,000 इन्वेस्ट किए हो तो आप उस कंपनी का 5% ट्रू ओनर हो। कितना परसेंट ट्रू ओनर हो? 5%, ठीक है, 5% इक्विटी होल्डर, या फिर इसको बोल सकते हैं 5% इक्विटी होल्डर, या फिर बोल सकते हैं 5% ट्रू ओनर, ठीक है, उतने का ओनर हो आप, ठीक है। ट्रू ओनर होने के पीछे और एक रीजन भी होते हैं कि अगर ये पैसा, ये जो 50,000 आपने इन्वेस्ट किया बिजनेस पे, ये 50,000 अगर कल मार्केट में बिजनेस लॉस में जाता है ना, तो आप कंपनी को ये नहीं बोल सकते कि मेरा 50,000 वापस करो, बिकॉज आप कंपनी में इक्विटी होल्डर हो ना, आप कंपनी में इक्विटी होल्डर हो तो उसमें अगर आप इक्विटी होल्डर हो दैट मीन्स अगर आप ट्रू ओनर हो तो कंपनी का लॉस एंड प्रॉफिट दोनों में आपका हक है, ठीक है। दोनों में मतलब अगर कंपनी लॉस में जाएगा तो ये सकते नहीं, नहीं मैं लॉस ले सकता, ऐसा आप नहीं कह सकते। बीइंग अ ट्रू ओनर, बीइंग अ इक्विटी होल्डर, आप कंपनी का लॉस एंड प्रॉफिट दोनों का हकदार हो, दोनों का हकदार, दोनों दोनों चीज आपको एक्वायर करना पड़ेगा। अगर कल कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट करता है तो कंपनी का जो भी अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट करता है तो आपको रिटर्न अनलिमिटेड मिल सकता है, 50% 70% 1000% भी रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर कंपनी लॉस में जाता है तो कंपनी आपको नहीं देगा कुछ भी, क्योंकि आपका नहीं देगा इसलिए क्योंकि आप कंपनी का ओनर हो, ठीक है, तो आपको तो लॉस शेयर करना ही पड़ेगा। ये ट्रू ओनर के केस में होता है, ये इक्विटी का खेल है। तो सर ऐसा कोई सिचुएशन है क्या कि हम लॉस लेना नहीं चाहते लेकिन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? हाँ कर सकते हो ना, उसी को कहते हैं एक्सटर्नल कैपिटल, उसी को कहते हैं एक्सटर्नल कैपिटल। दैट मींस यू वांट टू गेट अ लोन, ठीक है। अगर आप कंपनी को, आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, नो मैटर, आप कंपनी में इन्वेस्ट करो बट एज अ लोन कैपिटल। और कंपनी की तरफ से अगर आप सोचो तो वो किसी से लोन ले रहा है, ठीक है। अगर कंपनी, आप कंपनी को लोन दे रहे हो तो आप कंपनी को लोन दे दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लोन देने से क्या है, कंपनी का लॉस भी हो जाएगा ना, कंपनी को आपने लोन दिया। सपोज यू हो एज अ बैंकर, जस्ट थिंक योरसेल्फ एज अ बैंकर, आप एक बैंक हो, ठीक है। तो बैंक ने क्या करता है, बैंकर कंपनी को कैपिटल, बदले में इंटरेस्ट लेता है, रिटर्न में, है ना। बैंक किसी को लोन देता है तो बदले में क्या लेता है बैंक, आप बैंकर हो, ठीक है, सपोज यू आर दी चेयरमैन ऑफ द SBI, ठीक है, या फिर मैनेजर हो SBI का, तो आप क्या लोगे कंपनी से, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इससे आप इंटरेस्ट ले लोगे। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट कमाना चाहते हो ना, तो उस केस में कंपनी प्रॉफिट करे ना करे,
ठीक है, कंपनी लॉस में भी रहे ना, आपका इंटरेस्ट पेमेंट करना ही पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये जो लोन कैपिटल है, अगर हम इसको ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से सोचे, ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, लोन कैपिटल। तो दोनों कैपिटल, ओन कैपिटल प्लस लोन कैपिटल, दोनों मिलके होता है कंपनी का टोटल सोर्स ऑफ फाइनेंस। आपको समझ में आया बात? लोन कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए दो सोर्स ऑफ फाइनेंस का दो ही जगह हो सकता है। एक होता है उसका लोन कैपिटल, जो वो नॉर्मली किसी से लोन लेता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो किसी पर्सन हो, ठीक है, कहीं किसी से भी लोन ले सकता है, जब पर्सन से ले या फिर किसी दूसरा कंपनी से ले, ठीक है, फ्रॉम एनी अदर कंपनी, ठीक है, एनी अदर कंपनी। अगर बैंक से ले तो लोन, पर्सन से ले तो लैंग्वेज यूज किया जाता है डिबेंचर, ठीक है, कंपनी से ले तो लैंग्वेज यूज किया जाता है डिबेंचर, कंपनी से भी ले तो लैंग्वेज यूज किया जाता है डिबेंचर, ठीक है। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये हो गया लोन कैपिटल, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना जो वो कैपिटल खुद से दिया था, ठीक है, हेलो, हेलो, कहाँ चला गया? यस सर, यस सर, कोई है ही नहीं सर, तो रास्ते में था इसलिए आवाज नहीं। ओके, तो ये था लोन कैपिटल एंड ओन कैपिटल का डिफरेंस। अब मैं आपको और थोड़ा डीप डाइव कराऊंगा और गहराई में जाऊंगा, देखना। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब बिजनेस को लिए फाइनेंस का अगर सिंपल मतलब क्या है सर, फाइनेंस होता है जुगाड़, ठीक है, इसको नॉर्मली फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट होते हैं इंटर लेवल में, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा बताता हूँ फाइनेंस का, ठीक है, इंटरमीडिएट ऑफ सीएससीएम इंटरमीडिएट में सब सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, तो मेनली मैं वहां पर ज्यादा बताता हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पर फाइनेंस का थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, फाइनेंस का मतलब होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, दैट मींस आपको फंड जुगाड़ करना है, और जुगाड़ आप दोनों हिसाब से लगा सकते हो, कुछ अपने से लगा लो, ठीक है, कुछ लोन ले लो और कुछ अपना दे दो, लोन प्लस ओन कैपिटल, ठीक है, दिस इज द सिंपल मतलब ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस करके क्या करते हैं बिजनेस, फाइनेंस करके इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंस करके क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट मतलब डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड, द सिंपल मीनिंग ऑफ फाइनेंस, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स मतलब पहले आप जुगाड़ करो पैसा बिजनेस करने के लिए, दिस जुगाड़ इज कॉल्ड फाइनेंस, दिस जुगाड़ इज कॉल्ड फाइनेंस, मतलब हम लोग जो जुगाड़ करते हैं ना, वो जुगाड़ को ही कहते हैं फाइनेंस, जुगाड़ को ही कहते हैं फाइनेंस, ठीक है। तो जुगाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और जुगाड़ करके क्या करते हैं, जुगाड़ करके इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, ठीक। डिप्लॉयमेंट मतलब पैसा को इन्वेस्ट करना, मतलब डिप्लॉय करना, मतलब काम पे लगाना, फिर वो डिप्लॉय करके क्या चाहते हैं हम, रिटर्न चाहते हैं, रिटर्न चाहते हैं। सपोज आपने कहीं से लोन लिया, 1 लाख का लोन लिया, जस्ट थिंक 2 मिनट के लिए, 1 लाख का लोन लिया, बैंक ने आपको बोला कि हमें 10% इंटरेस्ट चाहिए, कितना इंटरेस्ट चाहिए, 10%, तो ये एनुअल इंटरेस्ट है, ठीक है, सिंपल कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का, 1 लाख का 10% मतलब 10,000, आप यही 10,000 मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, जब हम इन्वेस्ट करोगे मार्केट में, कितना इन्वेस्ट करोगे, 1 लाख, आप मार्केट में 1 लाख इन्वेस्ट कर दो, मीन्स आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख का इन्वेस्ट करके आप मिनिमम कितना रिटर्न चाहोगे, अपना बिजनेस का मिनिमम 10% अगर बैंक को ही देना पड़ेगा, तो आपका टारगेट तो होगा ना कि एटलीस्ट 15% में रिटर्न जनरेट करूं, तो जाके आप कितना इनकम कर लोगे, 15,000 रिटर्न जनरेट करना, मतलब 10,000, ये जो आपने मार्केट से एक्सटर्नल कैपिटल जुगाड़ किया था ना, एक्सटर्नल कैपिटल है ये, एक्सटर्नल कैपिटल का कॉस्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं फाइनेंस में, इतना आप लोगों का अभी है नहीं, मैं बस आपको अंडरस्टैंड करने के बजाय इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10,000, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ बोलो तो 5,000,
यही प्रॉफिट लेके आप फिर से अपना बिजनेस के कैपिटल को और बढ़ाओगे. तो दिस इज मीन सिंपल मीनिंग ऑफ फाइनेंस इन इन शॉर्ट. ठीक है, इन शॉर्ट में फाइनेंस का ही मतलब है. ओके, तो कैपिटल रेफर्स टू अमाउंट इन्वेस्टेड. कैपिटल का मतलब क्या बताया, देखो यहाँ पर कैपिटल का बहुत ही सिंपल मतलब बताया. कैपिटल मत छोड़ के बिजनेस में तो कुछ नहीं है, बिना कैपिटल का क्या बिजनेस करोगे. कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय इट्स ओनर्स. ओनर जो भी इन्वेस्ट करेगा बिजनेस पे वही उसका क्या है, कैपिटल है. फिर बताता है लाइबिलिटी. व्हाट इज द लाइबिलिटी. लाइबिलिटी इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो बिजनेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट वगैरह करेंगे हम लोग. लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन ओनर्स फंड. अदर देन ओनर्स फंड, ध्यान देना बात में. ओनर्स मतलब कौन सा वाला बात कर रहा है, इक्विटी. अगर अपने ये हो बिजनेस था आपका प्लस, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना. यस सर. ओन कैपिटल, लोन कैपिटल. आपने अपने से 50,000 दिया सपोज बिजनेस में एंड लोन लिया 50,000. 50,000 प्लस 50,000 दोनों ऐड करके कितना हो जाता है, 1,00,000. 50,000 ऐड करके कितना हो जाएगा, 1,00,000. तो जैसे आपका दोनों मिला के हो जाता है 1,00,000, इसमें ये 1,00,000 आप किसको दिए, बिजनेस को दिए. एक चीज याद रखना, बिजनेस इज ए सेपरेट एंटिटी. मतलब यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस. यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी आपने बनाया ये अलग है. ठीक है, एंटिटी कॉन्सेप्ट है इसका. लॉ में भी हम लोग बताते हैं ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. मतलब इसका इसके नाम पे अलग जगह जमीन, इसके नाम पे बिजनेस का डीलिंग, सब कुछ अलग से होता है. ये सेपरेट लीगल एंटिटी है. तो आप यहाँ पर बिजनेस को दो लोन दिए, दो तरह से पैसा जुगाड़ करके दिए, एक अपना से दिए और एक लोन लेके दिए. तो यहाँ पर लाइबिलिटी ज्यादा, मतलब लाइबिलिटी लीगली क्या हो जाता है, लाइबिलिटी ये हो जाता है. ऐसे तो कैपिटल भी एक लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट में आता है, उसमें मैं बाद में बात करता हूँ. लेकिन जो आपने लोन लिया ना, यही आपका लाइबिलिटी है. यही ओनर, मतलब जो ओनर है बिजनेस का, इसका लाइबिलिटी क्या है, ये जो लोन लिया इसको लोगों को मतलब वापस कर दे, इसको रिपे कर दे. लाइबिलिटी शुड बी रिपेड. ठीक है, क्योंकि लोन लिए हैं आपने. लेकिन जो ओन कैपिटल आप बिजनेस को दिया ना 50,000, ये लाइबिलिटी नहीं है आपका. इसके लिए आपको, मतलब ओनर को ये पैसा का लाइबिलिटी अपने आप को तो नहीं देना है, या फिर पापा से लिया है तो भी नहीं देना है. लेकिन अगर किसी से लोन लिया है तो देना है. तो लाइबिलिटी क्या है, आपको आई होप समझ में आया. लाइबिलिटी मतलब ओनर का लाइबिलिटी. बिजनेस का अलग लाइबिलिटी एक है, मैं उसमें बाद में चर्चा करूंगा. ठीक है, उसमें अभी और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, मैं एक बार में बताऊंगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे. मैं बस थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए. ओके, तो अल्टीमेटली क्या सीखे कि लाइबिलिटी इज द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज. ठीक है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन ओनर्स फंड. ओनर फंड में लाइबिलिटीज नहीं होते हैं. दस द अफोर्डसेड अकाउंटिंग इक्वेशंस. क्या इक्वेशन फॉर्म होगा यहाँ से, टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल इक्विटी. अगर टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल इक्विटी, मतलब जो टोटल इक्विटी का मतलब क्या हो गया, टोटल इक्विटी में दोनों आ गया, ओन प्लस लोन. ओन प्लस लोन दोनों मिला के ही अपने बिजनेस का एसेट बनाया. ठीक है, फिर एसेट इक्वल्स टू क्या हो गया, इंटरनल इक्विटी प्लस एक्सटर्नल इक्विटी. मतलब जो आप बाहर से पैसा जुगाड़ किए थे. यहाँ से हम ये फॉर्मेशन बना सकते हैं, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. इसका मतलब एसेट का मतलब, अगर आपके पास एसेट है तो एसेट आप ऐसे नहीं बना सकते. एसेट बनाने के लिए एसेट मतलब आपका कैपिटल और आपका लाइबिलिटी. आपका कैपिटल मतलब आपका प्लस आपका लाइबिलिटी, दो ही आप. अब ये कैसे होता है, ये इसको प्रूफ करना है. इसको बहुत तरह से हम लोग कर सकते हैं. कैपिटल इक्वल्स टू ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी. बस मैथमेटिकली कर दो, एसेट माइनस लाइबिलिटी. इस तरह का बहुत तरह का हम लोग इक्वेशन यहाँ से फॉर्म कर सकते हैं, जो अलग अलग लेवल में अकाउंटिंग सिस्टम को सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है. सर आगे ना डायरेक्ट मैथमेटिकल में चल जाते हैं तो आपको सुविधा होगा. मैं अभी और कुछ नहीं बताऊंगा यहाँ पर. ठीक है, अभी आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा. ओके, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पेन एंड पेपर लेके रेडी हो जाओ.
क्या पेन पेपर लेके आप लोग रेडी हो? हाँ सर। ओके, पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ, बताता हूँ मैं। इसी इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है प्रैक्टिकलिटी के साथ। अच्छा देखो, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है एक एग्जाम्पल दिख रहा है, एग्जाम्पल दिख रहा है आपको? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। अब इसको कहते हैं ट्रांजैक्शंस, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा देखो एक बार, शो द अकाउंटिंग इक्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ध्यान से देखना, मैं थोड़ा रीड करता हूँ स्टार्टिंग में, फिर जाके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे आपके सामने क्या क्या ऑप्शन आता है। सबसे पहले आपके सामने ऑब्वियसली ऑप्शन आएगा कि आपको बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। जो कि यहाँ पर भी हुआ है कि पॉइंट नंबर ए में आपका पहला ट्रांजेक्शन, ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, ये सब अलग अलग ट्रांजेक्शन है, लेन देन हुआ है बिजनेस में। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी और कुछ नहीं, बिजनेस लेन देन का रिकॉर्डिंग सिस्टम है। बिजनेस में जो लेन देन होता है उसका रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है अकाउंटेंसी। ये आज आप जो सीखोगे वो अकाउंटेंसी का एकदम बेसिक लेवल का एकदम जड़ है, ठीक है। तो देखो, श्रीराम कमेंस्ड बिजनेस, श्रीराम कॉमेंस्ड बिजनेस विद ₹50,000। अब राम जी है, राम जी को, राम जी लंदन वाले जो भी बताओ, राम जी को बिजनेस करना है, कितने में करना है? 50,000 से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसका एक ट्रीटमेंट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन वाइज, इसको जर्नल नहीं करेंगे आज, दिस इज नॉट द जर्नल एंट्री। आज हम लोग सीखेंगे कि एसेट क्या है, कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी क्या है, ठीक है। ये एसेट कैपिटल लाइबिलिटी समझेंगे तो जाके जर्नल एंट्री सीख पाएंगे, ठीक है। बहुत लोग डायरेक्टली जर्नल एंट्री सीख लेते हैं, गलत, डायरेक्ट जर्नल एंट्री नहीं सीखना चाहिए। सबसे पहले तो एसेट लाइबिलिटी कैपिटल सीखना चाहिए। पेड रेंट इन एडवांस 2000, बिजनेस करेगा रेंट तो देगा। एक टाइपराइटर परचेस किया, आज के रेट में कंप्यूटर परचेस करेगा। फर्नीचर परचेस किया क्रेडिट पे, परचेस गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, गुड्स परचेस किया, गुड्स मतलब जिस चीज का बिजनेस करते उसको गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो चलो सर, इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। अच्छा, मैं अगर आपके साथ व्हाट्सएप में शेयर करूँ ये क्वेश्चन, तो आप लोग व्हाट्सएप के साथ क्लास एक साथ कर सकते हो क्वेश्चन देख देख के? हाँ सर। हाँ सर। ओके ठीक है, मैं काम करता हूँ, क्वेश्चंस को व्हाट्सएप में शेयर कर देता हूँ। देखा तो गया है सबके पास? हाँ सर, दो आया है। हाँ, एक तो थ्योरेटिकल पार्ट है जो अभी समझा रहा था, इक्वेशन वाला पार्ट, और देखो और दूसरा है जिसमें सम्स है, ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। सबके पास पहुंचा जितना लोग क्लास कर रहे हो अभी?
काजल, मृत्युंजय, नम्रता, प्रगति, वो चाहिए, इसके पास नहीं गया होगा, निविड़ के पास नहीं गया है ना, गया है निविड़ के पास भी गया है, निविड़ गया है सबके पास, ठीक है। ओके देखो, अब यहाँ पर एसेट कैपिटल लायबिलिटी वेरी वाइटल पॉइंट है, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ही अच्छा चीज है, आपको समझ में आएगा, ये ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करते हुए हमको सीखना है कि क्या होगा। ओके, क्वेश्चंस अगर गया है तो क्वेश्चंस आप ओपन करके रखो और बोर्ड के तरफ देखना कि क्या चल रहा है, खेल क्या हो रहा है, और कॉपी में लिखते रहना। सबसे पहले ना एक स्ट्रक्चर बना लो, ये जो क्वेश्चंस है आपके सामने, ये क्वेश्चंस का एक स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। सॉल्यूशंस है, ये इलस्ट्रेशन वन बोल के लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर वन, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये है कि एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। इसको हम इस तरह से कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, ये मैथमेटिकली आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन करेंटली हम लोग ये प्रूव करना चाहेंगे कि एसेट का मतलब कैपिटल और लायबिलिटी होता है, ये एकदम रियल प्रैक्टिकल के साथ जो ट्रांजेक्शन आपके सामने है उसके थ्रू से प्रूव करेंगे, तो ध्यान रखना। पॉइंट नंबर ए, ठीक है, एक एक ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए एक फॉर्मेट बना लो, एक फॉर्मेट बना लो, ठीक है, सीरियल नंबर बनाओ, एक ट्रांजेक्शन का कॉलम बनाओ, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन को थोड़ा बड़ा रखना, ठीक है, ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा बड़ा रखना, और इधर लिखना एसेट equals to liability plus capital, ठीक है, ऐसे लिखना, अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लिखो, सुविधा होगा समझने में, asset equals to liability plus capital, क्लास में है कुछ भी हो सकता है, liability plus capital। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब सीरियल नंबर पे एबीसीडी लिखना, सिंपल, सीरियल नंबर मतलब जस्ट एबीसीडी, और बाकी पॉइंट आप ट्रांजैक्शंस में लिखना। ट्रांजैक्शंस में पहला ट्रांजैक्शंस क्या है, पहला ट्रांजैक्शंस है श्री राम कमेंस बिजनेस, लिखना है सर, ट्रांजैक्शंस को लिखना है, मेहनत है, अकाउंट्स में बुद्धि कम मेहनत ज्यादा लगता है, श्रीराम कमेंस बिजनेस विथ कैश, श्रीराम कमेंस बिजनेस विथ कैश, ठीक है, ये दिस इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, क्या सबको ट्रांजेक्शन दिखा, अपने अपने इसमें क्वेश्चन में भी दिखा है, लिख रहा है आपको, दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन, ओके। तो पॉइंट नंबर ए में जब श्रीराम कमेंस कर रहा है बिजनेस विद कैश, तो इसका क्या एंट्री होना चाहिए, ठीक है, इसको क्या किस तरह से यहाँ पर, ये ट्रांजेक्शन पढ़ के आप क्या पता कर सकते हो कि इसमें आपका एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है। तो सिंपल कहने का मतलब है कि जो पैसे से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, वो हमारा कैपिटल होते हैं, ठीक है, वो हमारा एसेट भी होते हैं, वो हमारा कैपिटल भी होते हैं। यहाँ पर मैं बस आपको अंडरस्टैंड करने के लिए समझा रहा हूँ, आप सुनना कि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है, ये इस प्रोफॉर्मा के अंदर नहीं है, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अच्छा, मैं अंडरस्टैंडिंग को यहाँ करा देता हूँ। श्रीराम जो बिजनेस पे 50,000 लगा रहे हैं, श्रीराम जो 50,000 बिजनेस पे लगा रहे हैं, वो उसका क्या है, कैश है ना, 50,000 कैश। कैश आपके लिए क्या है, एसेट है कि नहीं, आपके घर में कैश होगा, पॉकेट में कैश होगा, तो आपको क्या फीलिंग आता है, एसेट वाला फीलिंग आता है ना, तो कैश आपके लिए। और अब ये कैश बिजनेस में आ जाता है ना, तो उसका नाम चेंज हो जाता है, क्योंकि बिजनेस के लिए वो एसेट नहीं है, बिजनेस के लिए वो कैपिटल है, क्योंकि वो पूंजी है, ठीक है, उसको पूंजी कहते हैं, ठीक है, कैपिटल कहते हैं, ठीक है, इसी के थ्रू से आप अपना बिजनेस को बढ़ाओगे। तो जो कैश आपके लिए एसेट था, वही कैश आप बिजनेस के लिए कैपिटल भी बन गया, तो बिजनेस के लिए दोनों कॉन्सेप्ट हो गया, बिजनेस के लिए एसेट भी है, बिजनेस के लिए ये कैपिटल भी है। तो हम सिंपल कहेंगे कि 50,000 ने आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट किया ना, तो आपके बिजनेस पे क्या आया, 50,000 का कैपिटल आया। क्या कुछ लायबिलिटी है आपका, कुछ लायबिलिटी क्रिएट हुआ क्या अभी भी, ना सर, नहीं, तो जीरो, ठीक है,
जस्ट टाइप जीरो एंड एसेट कितने का हुआ आपका, कैश है ना 50,000 का कैश है बिजनेस पे, जैसे कैपिटल है बिजनेस पे वो नेचर के वाइज कैपिटल बन गया, लेकिन कैश भी तो है। आप बस अपने दिमाग में एक सोचना कि आप एक अकाउंटेंट हो और आपके बिजनेस पे जो कैशियर है ना, जो कैश है वो कैश में 50,000 का कैश पड़ा हुआ है कि नहीं है बताओ। अभी आपके बिजनेस में कैश जो है, कैश में 50,000 पड़ा हुआ है ना, लेकिन वो कैश क्या खाने के लिए है? नहीं रे बाबा, ओनली फॉर दी ग्रोइंग ऑफ योर बिजनेस, फॉर दी ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस। और जो ग्रोथ ऑफ दी बिजनेस के लिए रखा गया है कैश, वो कैपिटल का उसको कैपिटल कहते हैं। ये आगे आगे आपको और समझ में आएगा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करो ना समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पेड रेंट इन एडवांस, पेड रेंट इन एडवांस, ट्रांजेक्शन आई होप तुम आप लोगों ने लिख दिया। देखो कितने का रेंट आपने एडवांस में पे किया, 2000 का रेंट आपने एडवांस में पे किया है ना, 2000 का रेंट आप आपके पॉकेट से 2000 जा रहा है या आ रहा है? जा रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो अगर पैसा जा रहा है तो माइनस करो ना, कैश तो जा रहा है ना आपसे, तो जस्ट माइनस इट। तो एसेट आपका 2000 का चला गया है ना, कैश आपके लिए एसेट है कि नहीं है? और अगर आप किसी को एडवांस में रेंट दे रहे हो तो आपका 2000 चला गया, लेकिन कुछ लायबिलिटी हुआ क्या आपका? नहीं सर, नो लायबिलिटी। कैपिटल में कुछ हुआ क्या? नो सर, नो। लेकिन आपका एसेट बढ़ा है 2000 में, आपका एसेट 2000 में बढ़ा है। हाउ? जब आप किसी घर के लिए एडवांस पे करते हो ना, लिखना मत हा, ये बस अंडरस्टैंड करने के लिए आप खुद से कहीं रफ में लिख लो। अगर आप किसी, आपको ये आप रेंट दे रहे हो ना, सपोज मैं मान रहा हूँ होम रेंट है आपका, आपका जो बिल्डिंग है जिसमें आप बिजनेस करते हो उसका रेंट है, तो रेंट अगर एडवांस पे कर रहे हो मतलब वो आपका एसेट है। कैसे? क्योंकि कमिंग वन मंथ वो एसेट आपका है, जो आप 2000 रुपया दे के उनको दे रहे हो, लेकिन 2000 का एसेट भी तो आपको मिला बिजनेस करने के लिए। आपको 2000 का एसेट मिला कि नहीं मिला बिजनेस करने के लिए? मतलब अगला वन मंथ वो अगर जो भी हाउस प्रॉपर्टी ओनर है वो आके आपको बोल सकता है क्या, मेरा घर छोड़ दो? नहीं बोल सकता। क्यों? बिकॉज फॉर द कमिंग वन मंथ यू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द एसेट। वो जो घर है वो एक महीने के लिए आपका हो गया, जो आप 2000 से बुक कर चुके हो। तो 2000 का कैश आपसे जरूर गया होगा, 2000 का कैश आपसे जरूर गया होगा, लेकिन 2000 का एसेट भी आपके पास आया है फॉर द वन मंथ। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी को रेंट पे करते हो, जब भी आप किसी को रेंट एडवांस में पे करते हो, कोई भी पेमेंट एडवांस में पेमेंट करना, एनी पेमेंट, इफ यू पे एनी पेमेंट इन एडवांस, ठीक है, उसमें आपका एसेट माइनस ऑब्वियसली होगा, ठीक है, लेकिन आप एडवांस देते हो तो वो आपका एसेट ट्रीटमेंट होगा। बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, लेकिन जैसे कि मतलब कोई कार खरीदने के लिए अगर कोई डाउन पेमेंट करे जो मतलब बिजनेस के लिए यूज करेगा तो उसका एसेट बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली तुम डाउन पेमेंट कर रहे हो, तुम्हारा कैश जा रहा है, लेकिन डाउन पेमेंट करके वो एसेट तुम्हारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड क्वेश्चन। हाँ सर, ठीक है, तुम डाउन पेमेंट कर रहे हो, वेरी गुड, डाउन पेमेंट करो ना, ठीक है, डाउन पेमेंट करो। सपोज एक कार का दाम है 5 लाख, ये सब राफ में लिख सकते हो, राफ में, नॉट इन दी मेन फॉर्मेट। 5 लाख का डाउन पेमेंट, 5 लाख का कार है, तुम डाउन पेमेंट कर रहे हो 50,000, ठीक है, तुम 50,000 डाउन पेमेंट करके कार तुम्हारे सामने पास लेके आ रहे हो, तो 50,000 का कैश तुमसे गया कि नहीं गया बिजनेस से? अब ये कार तुमको 5 लाख का कार का टोटल वैल्यू है, लेकिन तुम्हारे लिए कार का वैल्यू कितना है? तुम्हारे लिए कार का वैल्यू 50,000 है कि नहीं है? तो 50,000 में तुमने कैश दिया, तुमने 50,000 का कैश दिया, लेकिन 50,000 का, एक सेकंड वेट करो ना, हाँ
जो मैं बोल रहा था 50,000 का तुमने डाउन पेमेंट किया तो तुमसे कैश निकल गया 50,000 का, तो सिमिलर वे में तुम्हारे पास 50,000 का कार तो आया, मतलब एटलीस्ट फॉर करेंट सिचुएशंस आपकी वैल्यूएशन कितना है 50,000 इसका आप इसमें लगाओगे इनकम करोगे तो वो आपके लिए करेंटली क्या हो गया एसेट हो गया, ठीक है समझ में आया। सिमिलर वे में यहाँ पर भी आपने घर का एडवांस रेंट दिया आपसे 2000 गया लेकिन 2000 का घर भी आपको मिला वन मंथ के लिए यूज करने के लिए। सिमिलर वे में 50,000 के आपको पूरा कार नहीं मिलेगा, अगर आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट फेल करते हो तो कार कंपनी आपसे कार लेके चला जाएगा, ठीक है। तो रेंट देते जाओ घर का मजा लेते जाओ, डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट देते जाओ कार का मजा लेते जाओ, जब तक ना लास्ट पेमेंट दोगे तब तक कार आपका नहीं होगा। घर के लिए भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हाँ अगर रेंटेड है तो जितना दिन का रेंट है उतना दिन का। समझ में आया कि नहीं आया बताना प्लीज कि एडवांस पेमेंट कैसे एसेट हो गया। दिस इज द मैजिक ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। दिस इज द मैजिक ऑफ अकाउंटेंसी, मतलब जो आम कॉन्सेप्ट में मतलब इन अ जनरल कॉन्सेप्ट नो पब्लिक कैन अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, बट ओनली अकाउंटिंग का जो जिसके पास नॉलेज है वो समझ सकते हैं कि ये क्या चल रहा है, ठीक है, और वो कितना एक्यूरेटली एंड प्रॉपरली इस मैटर को हैंडल करते हैं। ओके आई होप कि आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है और भी अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है। बोलो सर, जो कार के लिए बताया सर वो वाला, मान लीजिए कार कोई पर्सनल के लिए यूज करेगा और कोई कार बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेगा, मतलब ओला उबर के लिए, तो ये मायने रखता है क्या अकाउंटेंसी में? हाँ ऑब्वियसली, देखो पर्सनल मैटर में हमको अकाउंटिंग थोड़ी ना कोई कर देता है, पर्सनल लेवल में कौन अकाउंट करता है, ये सब सारा का सारा खेल बिजनेस के लिए है। पर्सनल में वो थोड़ी ना आपके लिए वो इनकम थोड़ी ना करेगा, ठीक है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये ओला उबर में गाड़ी चलाने के लिए सोचो तो समझ में आएगा, पर्सनली सोचोगे तो वो मजा नहीं होगा। पर्सनली कोई आप कोई भी इंसान पर्सनल लाइफ का अकाउंट हिसाब करता है क्या? जो करता है वो पागल ही होगा, ये छोटा छोटा मैटर पे हिसाब रखता है। ओके चलो स्टार्टिंग में करो, 5-6 ट्रांजैक्शन मेरे साथ करो, फिर देखना कि क्या मजा आएगा आपको। तो 50,000 माइनस 2,000 प्लस 2,000 अल्टीमेटली नेट इफेक्ट क्या हुआ सर? न्यू इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ दो ट्रांजैक्शंस के बाद? आफ्टर टू ट्रांजैक्शंस 50,000 का एसेट आपके पास है, लायबिलिटी आपका जीरो है, कैपिटल भी आपका 50,000 का ही है। जस्ट टेल मी अप टू ट्रांजैक्शन नंबर बी सिचुएशन इज क्लियर और नॉट? यस सर। पॉइंट नंबर सी में क्या हुआ? परचेस्ड अ टाइपराइटर, राइट डाउन दिस। आपने टाइपराइटर परचेस किया, कितने का टाइपराइटर है? 7,000 का। सिमिलर टाइपराइटर मतलब आज के रेट में अगर सोचो तो कौन भी सोच सकते हो, ठीक है। आज के लिए ये कंप्यूटर सा है, कंप्यूटर बिजनेस के लिए ऐसे है कि नहीं? फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ योर बिजनेस कंप्यूटर इज नेसेसरी द करंट डेट, और वो आपके लिए एक एसेट जैसा काम करता है। सिमिलर वे में टाइपराइटर, जो भी आप सोचो, आपसे 7,000 सबसे पहले गया, आप कैसे ट्रांजैक्शंस को लिखोगे? फर्स्ट आप स्टार्टिंग में आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले ये देखना चाहिए आपसे गया कितना। तो टाइपराइटर लेके आए तो आपसे 7,000 गया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? -7,000, ठीक है। -7,000 आपके पॉकेट से गया, तब जाके टाइपराइटर आया, और जैसे ही टाइपराइटर आया आप क्या कर दोगे? 7,000 ऐड कर दोगे, ठीक है। लायबिलिटी कैपिटल में कोई चेंजेस तो यहाँ पर हुआ नहीं है, तो फिर से क्या करना है? जीरो लायबिलिटी प्लस जीरो कैपिटल। नेट इफेक्ट क्या हो गया सर? नेट इफेक्ट हो गया सिमिलर वे में सेम टू सेम न्यू इक्वेशन 50,000, लायबिलिटी जीरो बट कैपिटल आपका 50,000। देखो चेंजेस कुछ नहीं हुआ, लेकिन बीच में इतना सारा घटना घट गया, आपका पेमेंट एडवांस रेंट पेमेंट हो गया, आपने नया टाइपराइटर पर ले, लेकिन आपका कैपिटल और इक्विपमेंट्स चेंजेस कुछ हुआ नहीं, तो ऐसा बात नहीं है, चेंज हो सकता आगे देखो होगा। पॉइंट नंबर डी में देखो, बॉट फर्नीचर, ठीक है, बॉट
फर्नीचर, ध्यान से पढ़ना, बॉट फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स मोहन फर्नीचर, फ्रॉम किससे कब परचेस कर रहा है सब बहुत माइन्यूटली देखना चाहिए क्योंकि आगे जाके सेटलमेंट होता है. फ्रॉम मेसर्स मोहन फर्नीचर, डिटेल्स लिखना हो चाहिए अकाउंटेंसी को. फ्रॉम मेसर्स मोहन फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ये पूरा का पूरा केवल क्रेडिट में हो रहा है ना. क्रेडिट मतलब क्या सर? क्रेडिट मतलब बाकी में लिया, धार बाकी में लिया, उधारी में लिया. ठीक है, उधारी में लिया. तो आपने मतलब राम ने परचेस किया फर्नीचर मोहन फर्नीचर से, क्रेडिट पे लिया. ठीक है, अब क्रेडिट पे लिया कितने का क्रेडिट में लिया सर? 3000 लिया. बोलो फर्नीचर के लिए ऐसी है. ऑब्वियसली फर्नीचर के लिए एसेट है. आपके घर में जो फर्नीचर है, अगर आप ऑफिस बनाओगे तो ऑफिस में चेयर्स वगैरह जो भी रखोगे वो आपके लिए एसेट होगा ना, एसेट है. तो 3000 का एसेट आया, तो जस्ट एड 3000 इन एसेट. लेकिन आप लाइबिलिटी क्रिएट कर ली यहाँ पर. हाँ, आपने क्रेडिट पे लिया तो आपका लाइबिलिटी हो गया 3000. कैपिटल में कुछ हुआ नहीं तो जीरो. नेट इफेक्ट कितना है? नेट इफेक्ट हो जाता है आपका न्यू इक्वेशन. प्लस वाला समझ में नहीं आया, थोड़ा बोलेंगे काट गया आवाज़ से. फर्नीचर तुम्हारे लिए एसेट है कि नहीं है? नहीं, वो वाला समझ में आया. 3000 प्लस लिखे ना सर, वो वाला. ये वाला लायबिलिटी? अरे बाबू, क्रेडिट में लिया तुम, मोहन फर्नीचर से तुम उधार में लेके आए, तुमको वापस नहीं करना है उसको. नहीं नहीं, मतलब जो 3000 लिखे ना सर एसेट के जगह पे. हाँ, वहाँ पे सर प्लस दिए ना, इसलिए पूछ रहे हैं. ये प्लस ही तो होगा. फर्नीचर तुम्हारे एसेट को बढ़ा, ये एसेट कर रहा है ना इधर. यहाँ क्या है? एसेट है. तो एसेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एसेट इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारे बिजनेस पे फर्नीचर आने के बाद? इतना हाँ, देर तक तुम्हारे पास 50,000 का कैश था, अभी तुमने 3000 का फर्नीचर लेके आए, लेकिन तुमसे कैश नहीं निकला, तुमने उधार लेके आया. माइन कर रहे हैं, लेकिन फर्नीचर तो आया ना तुम्हारा, तो फर्नीचर तुम्हारे लिए एसेट है कि नहीं है? तो वही फर्नीचर जो 3000 का तुमने लेके आया उसको मैंने ऐड किया, लेकिन तुम्हारे से कैश नहीं निकला, तुमने उधार में लेके आया, इसलिए तुम्हारा लायबिलिटी हो गया. तुमने क्रेडिट में लेके आया ना, दैट्स व्हाई यू क्रिएटेड लायबिलिटी है 3000 का. और कैपिटल आपका कुछ चेंजेस नहीं है, तो न्यू इक्वेशन फॉर्म हो जाता है आपका. एसेट हो गया बिजनेस पे 53,000 का, लायबिलिटी हो गया बिजनेस पे 3000 का, 3000 का, एंड कैपिटल हो गया आपका 50K का. तो अल्टीमेटली 53,000 का एसेट है, लायबिलिटी है 3,000 एंड कैपिटल है 50,000. तो ऑलवेज ये सिचुएशन प्रूफ करते हुए चलेगा, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसको प्रूफ करना ही है ट्रांजैक्शंस के साथ साथ. समझ में आ रहा है आपको? प्लीज बताना, समझ में आ रहा है? हेलो. हाँ सर. ओके, ठीक है. और कुछ करो, और थोड़ा सा करो, एटलीस्ट और 4-5 करते हैं तो फिर घर के लिए बाकी कुछ देंगे, होमवर्क में देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा. नो प्रॉब्लम. ओके, मैं इसको थोड़ा पहले वाला ट्रांजेक्शन को मैं रब करूं. आप लोग, मैं आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे. मैं फर्स्ट पूरा रब हो गया मेरे से, सॉरी. अच्छा, वो बैक हो सकता है, सॉरी एक सेकेंड. मैं फर्स्ट लाइन जो है उसको मैं रब कर रहा हूँ. हाँ, पूरा रब कर दूं? आप लोगों ने लिख लिया होगा पूरा? हाँ सर, लिख लिए. ओके, काजल लिखा ना? काजल पूर्णिया, निबिड़ बुझते बच्चे? निबिड़ है सर. ओके, लिखे नहीं जिस? तो है सर. ओके, पॉइंट नंबर डी, सॉरी डी तो हो गया, ई. चलो ई देख लेते हैं. ई पॉइंट नंबर ई क्या बताया? परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश. अपने गुड्स परचेस कर रहे हैं कैश पे, ठीक है.
गुड्स परचेस कर रहे हो कैश पे, तो देखो क्या होना चाहिए। तो आपका लास्ट जो इक्वेशन था उसके साथ आपको ऐड करना चाहिए, तो लास्ट इक्वेशन में आपका था 53,000 का था, तो अभी आपको गुड्स कैश में परचेस करो कितने का, 35,000 का, ठीक है। परचेस गुड्स फ्रॉम सोहन, परचेस गुड्स फ्रॉम सोहन। अब देखो यहाँ पर एक चीज आप याद रखना, हेलो सर, आपका आवाज ही नहीं आ रहा है, बहुत कट कट के आ रहा है। तुम्हारा नेटवर्क इसका मतलब? हाँ सर, मेरा भी हो रहा है सबको प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ सर। मेरा यहाँ पर तो सब कुछ ठीक ठाक ही है। हाँ सर, बहुत टाइम से हो रहा है। बहुत टाइम से हो रहा है। हाँ सर। अभी भी हो रहा है देखो। अभी तो ठीक है सर, लेकिन बीच बीच में हो रहा है। बीच बीच में हो रहा है। अच्छा, आपको स्क्रीन तो दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर, दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है। विश्वजीत को मेरा आवाज आ रहा है? विश्वजीत? हाँ सर। तुझे भी, तुझे मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है? नहीं सर, कट कट के आ रहा था, अब ठीक आ रहा है। कट कट के आ रहा था, अब ठीक आ रहा है। यस सर। चलो तो देखो, तो फिर से बता रहा हूँ। परचेस गुड्स फॉर कैश में क्या था, आपने अगर गुड्स परचेस किया कैश में तो पहले था आपका 53,000, न्यू इक्वेशन था। अब परचेस गुड्स कर रहे हो कैश में तो आपका सबसे पहले 35,000 का कैश जाएगा, है ना? सबसे पहले आपका 35,000 का कैश जाएगा, आफ्टर दैट आपका 35,000 का गुड्स आएगा। ध्यान देखना कि 53,000 आपका न्यू इक्वेशन था, एंड जब जैसे ही आपने परचेस किया तो सबसे पहले आपका कैश तो गया है 35,000 का। जस्ट इमेजिन, आपके पास 35,000 का कैश चला गया, तभी तो जाके आपका 35,000 का गुड्स आया। गुड्स मतलब क्या? इन विच यू आर डीलिंग इन, जिसका आप बिजनेस करते हो उसको कहते हैं गुड्स, मतलब जिसका आप धंधा करते हो उसको गुड्स कहते हैं, ठीक है। गुड्स का मतलब होता है प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का आप बिजनेस करते हो बिजनेस में उसको गुड्स कहते हैं। जिस प्रोडक्ट का आप बिजनेस करते हो उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। तो 35,000 का अगर तुमने गुड्स परचेस किया तो आपसे कैश चला गया 35,000 का, और आपके पास गुड्स कितने का आया? 35,000 का। 35,000 का चला गया, 35,000 का आया। तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट यहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं है। तो अल्टीमेटली 53,000 था, 53,000 हो जाएगा। लाइबिलिटी कुछ जो भी था वही है, 3,000 का लाइबिलिटी था, 3,000 का ही रहेगा, और कैपिटल यहाँ पर जीरो का था, वही जीरो का ही रहेगा। तो न्यू इक्वेशन जो हो रहा है उसमें 50,000 का 53,000 ये होगा, 3,000 होगा लाइबिलिटी, और कैपिटल हो जाएगा 50,000। क्या आवाज मेरा कट के आया क्या? नहीं अभी ठीक है सर। Okay. इसका मतलब नेटवर्क का इशू है, आज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा काम चल रहा है आसपास में, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। पॉइंट नंबर एफ देखना, पॉइंट नंबर एफ देखो, सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर कैश 40,000। हाँ
फिर से कर रहे सोल्ड गुड्स आवाज क्या पूरा आवाज कट रहा है आप ठीक है हाँ सर क्या करे बोलो क्लास आज इतना ही रखे नेक्स्ट दिन करे इसको हाँ सर ठीक है तो जब तुम किसी को कुछ सेल करते हो ना तो उसमें 40 का सेल किए ना तो एंट्री जो होना चाहिए वो एंट्री में क्या होना चाहिए आपके लिए सोल्ड कितने का है 53,000 लास्ट इक्वेशन था यहाँ पर देखना 40,000 का गुड्स है लेकिन कॉस्टिंग कितना है 30,000 इस पे भी थोड़ा ध्यान देना 53,000 से लेस कर दो 30,000 क्योंकि आपका जो बिजनेस का गुड्स चला गया वो 30,000 का चला गया लेकिन आपके पास आया कितना 40,000 कॉस्टिंग 30,000 का प्रोडक्ट 40 में सेल किए आपका प्रोडक्ट कितने का गया एसेट कितने का लॉस हुआ 30,000 लेकिन आपके पास कैश आया कितना 40 का इसीलिए 53,000 माइनस 30 प्लस 40 लायबिलिटी 3 का था 3 ही रहेगा सॉरी लायबिलिटी 3 का था 3 ही रहेगा और कैपिटल हो जाएगा आपका जीरो तो अल्टीमेटली सॉरी कैपिटल हो जाएगा 10,000 आई एम सॉरी कैपिटल हो जाएगा 10,000 ये जो यहाँ पर एक्स्ट्रा हुआ ना 53,000 माइनस 30 प्लस 40 में 10,000 एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है ये जो 10,000 एक्स्ट्रा हो रहा है ये क्या है आपका प्रॉफिट है और प्रॉफिट क्या होता है जानते हो प्रॉफिट जब होता है ना तो वो कैपिटल में चला जाता है अगर जब भी आप प्रॉफिट करोगे जैसे यहाँ पर 30 का प्रोडक्ट 40 में सेल किए तो आपका 40 से आप 30,000 लेस कर दो तो आपने प्रॉफिट कर लिया 10,000 का जो 10,000 आपका शो होना चाहिए कैपिटल में और आपका लायबिलिटी 3,000 का था 3,000 ही है इसका मतलब यहां पर क्या हो गया यहां क्या हुआ 53 माइनस 30 प्लस 40 अल्टीमेटली यहां पर हो गया आपका 63,000 इक्वल्स टू 3,000 और 50,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू क्या हो जाता है 60,000 ठीक है तो ये हो गया एफ का इक्वेशन अब मुझे निविड ने पूछा था सर जी का इक्वेशन बता दो मैं जी बता देता हूं जी में क्या हुआ सोल्ड गुड्स फॉर कैश सॉरी बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश ठीक है कैश में बोला क्या बोला नहीं है बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश अगर कुछ बोला नहीं है तो इसका मतलब क्रेडिट है आप रमेश से परचेस किए अगर यहां पर बोलता ना कि कैश बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर कैश तो ये हो जाता कैश लेकिन कुछ बोला नहीं साइलेंट है अगर साइलेंट है दैट मींस क्रेडिट इफ साइलेंट मींस क्रेडिट और अगर ये क्रेडिट है इफ साइलेंट है दैट मींस क्रेडिट है अगर ये क्रेडिट है इसका मतलब क्या बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश ठीक है इसका मतलब ये हो गया 63,000 के साथ आपके पास कितना का गुड्स ऐड हो जाएगा 30,000 का गुड्स आपके पास आ रहा है तो ऐड हो जाएगा और आपके पास लायबिलिटी भी क्रिएट होगा 30,000 का न्यू लायबिलिटी 30,000 का न्यू लायबिलिटी 30,000 का और इसमें नो चेंजेस ठीक है जो था वही रहेगा तो अल्टीमेटली 63 प्लस 30 आपका हो जाता है 93,000 न्यू इक्वेशन 33,000 पहले का 3,000 था 3,000 प्लस 3,000 था 30,000 अभी 33,000 एंड ये हो जाएगा आपका 60K तो तब जाके आपका न्यू इक्वेशन हो जाता है बोलो जी समझ में आया अगर साइलेंट है तो मतलब क्रेडिट है ठीक है बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश में साइलेंट है अगर वो बोलता कि कैश तो कैश अगर कैश नहीं बोला तो क्रेडिट ठीक है और पुराना वाला केस में याद है ना एफ में क्या हुआ 40,000 का गुड्स
तो सेल किया 40,000 प्राइस, सेल प्राइस है लेकिन कॉस्टिंग कितना है 30,000। तो अगर आप 30,000 का गुड्स है आपका, तभी तो आप उसका कॉस्टिंग बोल रहे हो। तो 30 का प्रोडक्ट 40 में बेचा, 10 का हुआ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपका ऐड हो गया कैपिटल में, और आपका न्यू एसेट हो गया 63, 3 कैपिटल लाइबिलिटी पहले ही था और न्यू कैपिटल बढ़ गया 60। तो बोलो जी तक क्लियर है कि नहीं, बोलो। हाँ सर। चैतन्य क्लियर ना जी तक? ओके, अगर जी तक क्लियर है तो होमवर्क रहेगा एच से लेके एस तक, ठीक है? जिस तरह से ईच एंड एवरी पॉइंट में हम लोगों ने किया यहाँ पर, जहां जहां न्यू इक्वेशन, हर एक एंट्री के बाद न्यू इक्वेशन करके मुझे नेक्स्ट दिन बताना, मैं पूछूंगा, ठीक है? एकदम एस तक मुझे पूरा एसेट लाइबिलिटी कैपिटल चाहिए, ठीक है? एकदम एस तक मुझे पूरा एसेट लाइबिलिटी कैपिटल का प्रॉपर चाहिए। समझ में आया? नम्रता, नम्रता समझ में आया? हाँ सर।